सुनिए जी, दूर हटो। सुनिए जी, मैं अपने इन बच्चों को लेकर कहीं इन कोने में पड़ी रहूंगी सच में, और अब बेकार में। चुप! मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मैं बाहर निकलूं रोक टोक मत किया करो। ये लो, दोपहर में छोटू जीप लेकर आएगा, तुम इन सबको यहाँ से लेकर वहाँ चली जाना, मैं तुम्हें बाद में फोन कर लूंगा। चलता हूँ मैं। चलो। सब रख दिया ना? हाँ सर। ये लो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, देर हो रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, ओ हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सिस्टर का फोन था, जोश जा रहा है। यो जोश, बड़े जल्दी आ गए आप। ये लो, ये लो, और तुम्हें चलना है तो मेरे साथ आ जाओ, चलो जल्दी आओ। क्यों नहीं चलेंगे? हाँ चलो, बैठ जाओ, अरे चलो जल्दी फटे करो। सब ओके है? हाँ ठीक है। कंबन सिटी में कौन सी पिक्चर चल रही कुछ पता है? नहीं पता है। शिवाजी चल रहा है क्या? नमस्ते। नमस्ते जोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस चाय पी रहा था, और क्या। हम मेहमानों को अच्छी ही चाय पिलाते हैं, तुम जाओ। हम सिर्फ चाय ही पिलाते हैं। अच्छा ठीक है। सिद्धू का फोन आया था, उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, हो गया? हाँ हो गया। काम होने के बाद हम ज्ञान केंद्र पर उतरेंगे, वहाँ से तुम गाड़ी लेके चले जाना, और ठीक 4 बजे ज्ञान केंद्र पर गाड़ी लेके पहुँच जाना, ऐसा सिद्धू ने कहा है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। जोश का फिर से फोन आया था। उसने पूछा था आएंगे या नहीं, वो गोडाउन में आपका इंतजार कर रहे हैं। बैठो। हाँ मैं आज उनसे बात कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, लगता है वो आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और कैसी हैं? मैंने माल भेज दिया है। नहीं, एडवांस वो वाला फ्लैट का। ओके ओके, थैंक यू। ये यहाँ के मालिक है, हम इन्हें काका कह के बुलाते हैं। नमस्ते सर। एक मिनट मैं बुलाती हूँ ड्राइवर। आई एम राजकुमार। अच्छा, तुमने हमारे दूसरे गोडाउन भी दिखाए कि नहीं साहब को? तुम्हें जहाँ जहाँ सिग्नेचर चाहिए वो सब करवा लेना। नाम क्या बताया? राजकुमार। और तुम्हारा? रेखा। रेखा, इसका ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो बुला लेना, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। जोश, तुमसे बात करनी है। मैं चलता हूँ, चलो। तुम सबके लिए सिरदर्द बन चुके हो, जहाँ बिछाओगे वहाँ बैठोगे नहीं, कुत्ते की तरह, है ना? ये आप क्या करें? मैंने ऐसा क्या किया है?
जब देखो जब मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम लोगों को ये मजाक लग रहा है? अपनी जान पे मैं खेलता हूँ, तुम लोग सिर्फ बातें करते रहते हो। सारा का सारा खेल तो मुझे खेलना पड़ता है। पता है पिछले 8-10 साल से कुत्ते की तरह मैं सबके पीछे भागा भागा फिरता रहता हूँ, समझे कि नहीं? और तुम लोग काम निकल जाने के बाद मुझे इस गोडाउन में लाके पटक देते हो एकदम कुत्ते की तरह, और रोटियां भी ऐसे खिलाते हो जैसे कोई एहसान कर रहे हो। तुम लोग तो लाखों करोड़ों जमा करते हो और मुझे इस काम करने का मेहनताना नहीं मिल रहा, तो उसका क्या मतलब है? जवाब दो, इसका क्या मतलब है? चुप क्यों हो? पान के मुंह खोलो। खुल गया खुल गया, थूकते रहो। तुम्हारा थूकने वाला केस बिल्कुल अलग है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज इसी वक्त ये काम छोड़ के जा रहा हूँ, तब पता चलेगा तुम्हें, पता चलेगा कि जोश क्या चीज है। बकवास करते हैं। जोश ये जरा पहना दो। क्या क्या कहा? ये मेरा धोती सीधा कर दो। अरे हाँ, वो तेरा भाई बॉबी, वो इस वक्त कहाँ है? वो अभी बिस्तर पे ही है अपने गांव में। अच्छा, जब हम शिमोगा में थे वहाँ के जंगलों में तुम्हारा छोटा भाई मुझसे 5-6 कदम आगे ही रहता था और मैं उसके पीछे ऐसा ही था। उस वक्त चट्टान चढ़ते समय उसने मेरा हाथ पकड़कर जब खींचा तब अचानक मेरा पैर फिसल गया। उसी वक्त जब मैं गिरा तो मेरी उंगली में चोट आ गई थी और टूट गई थी। तब मैंने बंदूक निकालकर सीधा ट्रिगर दबा दिया, वो गोली के साथ हवा में उड़ गया। जोश, जब मैं जवान था मेरा भी खून खौलता था, अपने भाई की तरह तुम्हें भी बिस्तर पर लेटना है क्या? बंद कर रे, मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाला। तुझे लगता है मैंने चूड़ियां पहन रखी है? मैंने पूरी तरह से फैसला कर लिया है, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये जोश उस सिद्धू से मिलकर रहेगा और बिना मिले यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। नहीं तो तो तुम भी देख लेना मैं क्या करूँगा। तुमने जितने खून किए और करवाए हैं उन सारे काले धंधों का पर्दाफाश नहीं किया तो जोश नाम नहीं मेरा, तुम खुद देख लेना। सुन लो, तुम्हारे काले धंधों का चिट्ठा और वो सारे राज पता है ना, इसलिए इस सोते हुए नाक को मत जगाओ। कुछ समझ रहे हो तुम? मुझे धमकी दे रहा सुभद्रा गाड़ी भेजेगी, तुम गेस्ट हाउस में रुकना। हाँ ठीक है। किधर है वो, अभी तक नहीं आया? आ ही रहा है सर, पोस्ट गार्ड से उसका मैसेज आया है। हाँ। कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। अबे वारंट है क्या मुझे अरेस्ट करने के लिए? हे, गोवा से मोलदीन का मैसेज आया है। हाँ। वो वहाँ से जीप में निकल चुका है। बाय डार्लिंग। बाय पालू। हाँ बाय। सी यू। बाय। बाय। सिद्धू के यहाँ लौटने का मतलब जानता है? इस गांव वालों की 2400 घंटों की दहशत। तेरी इस राज्य की पुलिस ही नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे देश की पुलिस फोर्स भी आ जाए ना तो उसकी पहुँच से भी बाहर हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तो छोटा मोटा एटम बम भी गिरा दूँ और तब भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। छोड़ मुझे, टंकी की कुतिया। छोड़ मुझे। ए, मैं। अभी तुम कहाँ पर हो? छोड़ बोलो ना। ओके। मैं सवा। ये, छोड़। बार बार पकड़ दिया। ओ कम ऑन। हे बालू, तुम तो मुझे चार चार नजर आ रहे हो। चार चार नजर। ए सिंधु, अच्छा नहीं है। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तेरी तो। हे नो। अबे कुत्ते, इसे इस तरह का मैंने नहीं बनाया है, तूने कुन्नूर में बोर्डिंग में पढ़ाते समय। सिद्धू मैं? हाँ तूने बे। उस जमाने के सबसे बड़े रईसों में गिनती होती थी सिद्धू के बाप मिस्टर नारायण की। इसके बावजूद जिंदगी में कभी ड्रग्स का एक डोज नहीं लिया सिद्धू ने। और तूने तो उससे 4 साल जूनियर था जब ये कॉलेज में ज्वाइन हुआ था। सोर्स, स्पॉन्सर, सप्लायर, वो सब कुछ सभी के लिए, कोई भी नहीं बचा था।
कम ऑन सिद्धू, छोड़ना मुझे। हाथ हटाओ। ये क्या कह रही हो? कहा ना हाथ हटाओ। स्टॉप, तमीज से बात करो, हाथ हटाओ। तेरी ये बहन है ना, तेरी बहन को मैं ना चलाना। देखो अपना मूड खराब मत करो। हटो, तुम्हारे बदन से लड़कियों की महक आ रही है। अच्छा उनका नाम जानना चाहती हो? हेलेन, बिजली, नफीसा। अच्छा अब बताओ सिद्धू क्या बात है? मैं मम्मी के साथ मंदिर में गया था तब इसका फोन आया और मैं तुरंत चला आया। उसके बाद तेरे जोश का क्या हुआ? उसे पत्थर से बांध के पानी में डुबो दिया क्या अपने यार के साथ मिलकर? जानती हो जब मैं लड़कपन में था तब मराठा मंदिर में ये फिल्म देखी थी उसे भाग भाग के। अरे कौन है? अरे तू? कितना कोलेस्ट्रॉल है? सुभद्रा ने मुझे लॉबी में बताया। टू हाई। उनके हाथ से ड्रिंक ले लो। अरे संभाल के। क्या हुआ? लगता है कोई खास बात है। अरे छोड़ उसे, वो जब 4 साल का था चोरों के मोहल्ले से उसे बचा के लाया था, आज आंखें दिखाता है। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज वो मेरे साथ है। देखो अंकल, दुखी मत हो, खुश रहो। देखो ये दुख तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा तुम्हें याद है ना, जंगल हो या पहाड़, चाहे सरकारी जेल हो, ये उम्र भर मेरे पिताजी के लाइफ पार्टनर बन के रहे। उन्हें जब दिए की रोशनी में चटाई पर लाकर यहाँ लिटाया गया था तो बचपन की वो बात मुझे आज भी याद है। एक बूंद आंसू नहीं निकला था इस खुदगर्ज मतलबी बूढ़े की आंख से। सुनो अंकल, इस भगवान के बनाए हुए पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पर तुम्हें रत्ती भर भी किसी से अगर प्यार है तो वो मैं हूँ या फिर स्वीटी, और उसके बाद थोड़ा सा यानी रत्ती भर इस पर यानी निर्मला पर। चलो फैसला करना है, बालू वेट कर रहा है। धुआं नहीं, थूक नहीं, कचरा नहीं, ये है सिद्धू का नया प्रिंसिपल, नया नियम। खास हेलन तुम्हारे लिए, तुम्हें इसको जलाने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना पर्स खोल दोगी ना तो 1 मील दूर से ही महक आ जाएगी इस चीज की मुझे और अंकल को। He's too possessive. अमृत का प्याला है क्या तुम्हारे हाथों में? एक बार पीने से चूक जाएंगे तो इनका स्वर्गवास नहीं हो जाएगा। बेकार में पूछ बनकर इनके पीछे पीछे मत घूमो, जाओ। क्या बात है सिद्धू, जो बात तुम लोग कहना चाहते हो वो साफ साफ क्यों नहीं बताते मुझे? फोन पर भी नहीं बताया, क्या बात है, कोई राज है? यस, कैलाश चंद्रचूड़। देखो अंकल, जब से इस लाइन में उतरे हैं हाई रेंज में, बोर्ड के इस पार हो या उस पार, जंगल में मेरी तेरी और अंकल की गाड़ी का एम्बेसडर है सिर्फ एक, वो है जोश। दिल पे हाथ रखे कहता हूँ, हम जो भी काम उससे कहते हैं या जो भी काम उसे सौंपते हैं वो अपनी जान पे खेलकर उस काम को पूरा करता है, फिर चाहे गांजे की फसल हो या कैश। हमारी तिजोरी में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं हेलन की मदद से, यह है सिस्टम। जोश लॉयल था,
लो प्रोफाइल एंड रिलायबल, ये थी बीते जमाने की बात। लेकिन अब रिस्क है। बॉर्डर के उस तरफ रहने वाले लोग दामेश्वर और धनुषकोडी समुद्र के उस पार वालों के टच में हैं। उन लोगों ने जोश के लिए एक जाल बिछा रखा है। हम जितना दे रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा का ऑफर जोश की नियत खराब करने के लिए काफी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है ये बात कोई नहीं जानता। कोई चीज हाथ से बढ़ जाए तो अच्छी से अच्छी चीज का असर भी बुरा होता है, चाहे मैं हूं या फिर तुम हो। इड़की गांव में एसपी रहते हुए जोश ने वहां पर न जाने कितने उल्टे सीधे कामों को अंजाम दिया है। उसकी एक झलक यहां पर भी है तेरी आंखों में। क्या? खैर उसे भूल जाओ। अगर एक जोश चला जाएगा तो उसकी जगह सैकड़ों जोश आ जाएंगे साथ देने के लिए। आई वॉन्ट अ पुलिस ऑफिसर। क्या हुआ, ट्रेस हो गया? यस। योर टास्क डन। चल चल। ये ले, बाकी के रख ले। ए जोश, इधर आ। क्या देख रहे हो, सामान उतार सकते हो क्या? हटो यहाँ से, पागल कहीं का। वो यहाँ नहीं होंगे, मुझे पता था। अप्पू को साथ में लेकर जब स्टेशन पहुँचूंगी मुझे लगा था कोई ना कोई वहाँ जरूर आएगा। अब मैं आपको क्या बताऊँ बहन, कल से मैं साहब से कितनी बार पूछ चुका हूँ कि गाड़ी लेके मैं स्टेशन जाऊँ क्या। तब पापा ने कहा होगा आपको गवर्नमेंट की गाड़ी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग कोई भी गाड़ी में आ सकते हैं, है ना अप्पू? सच है, चलिए आप लोग समझदार है। आइए। अरे जब से आप लोग यहाँ से गए हो तब से एकदम खाली है, कोई यहाँ आया ही नहीं इस घर की साफ सफाई करने के लिए। सरकारी क्वार्टर में कोई ऐसा ही रहने के लिए तैयार ही नहीं है सर। हाँ रख दो उस तरफ। ओके सर। खाना है। तो बताइए आपके साहब के हालचाल कैसे हैं ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद? साहब पूछते रहते हैं फिर भी आप उन्हें समझाना। उनके लाख कोशिश करने के बावजूद ये इलाका सुधरने वाला नहीं है। उन्हें आकर 2 ही दिन हुए हैं लेकिन सबके जुबान पर एक ही बात है, देखो शेर वापस लौट आया। ए नीचे उतरो, चलो। हाँ साइड में रखा, साइड में। हेलो, क्या 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 क्या, कौन से कोस्ट पर? कितने हैं? हाँ पकड़ेंगे ना। तुम उन्हें रोको, बाकी टेंशन मत लो, कोई लफड़ा नहीं होगा। अरे क्योंकि मेरा घर भी वही है, तुम पैसा लेके उन्हें छोड़ मत देना, हम देख लेंगे ना। ए रुको रुको, नीचे ऊपर हो जाएगा। ए भगवान मुझे बचा लेना। चलो साइड में लगाओ। लगाता हूँ। पेपर दिखाओ। साहब जरा जल्दी कर दो, इसमें आइस वाली मछली है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो फिर गाड़ी लेके सीधे पुलिस स्टेशन चल, सरकारी खर्चे से तेरे नीचे एक एसी लगा देते हैं तेरी मछली के लिए ताकि वो सड़े नहीं। हेलो बच्ची है, देखने में करीना लग रही है। साहब अबे गाड़ी साइड में लगा। साले तेरा हेड कहाँ है? हेड? मैं पूछ रहा हूँ तेरा हेड कहाँ है? तो ये हेड ऊपर है तो टोपी क्यों पहनी है? हेलमेट कहाँ है? नहीं। ये क्या हाल बना रखा है गाड़ी का? ये नायर। यस सर। हेलमेट नहीं पहना है सर, और गाड़ी का लाइट भी डेक नहीं है। जी सर। 500 रुपए का फाइन मार। अरे साहब नहीं साहब, छोड़ दो साहब, गरीब आदमी जाने दो। अरे बाप रे, इस वक्त यहाँ ढेर सारी पुलिस के होते हुए भी तुम कोटेशन इस तरह बाहर किसी और को मत दो यार। फिर गाड़ी तो पकड़नी है ना, इसमें हम बढ़िया खिलाड़ी है। हाँ दीदी मैं बाद में फोन करता हूँ। साहब। हाँ क्या है बे रास्कल? ये लो ना। ये क्या है बे? पैसे दे रहा हूँ साहब। क्या कर रहा है, छिपा के तो देना चाहिए ना।
हाँ सुन नायर, 100 रुपए की पावती काट दे, पेपर और लाइसेंस दे दे। ठीक है सर। अबे चल चल निकाल, निकाल। ए दास। सर। अरे वो चाय पानी देकर जाओ ना, ऐसे 100 रुपए ले ले। जी। हाँ क्या बात है, यहाँ से चौकी तक कुत्ते जैसा मार के लेके जाऊंगा। साहब शट अप, तू कोई स्पेशल आदमी है क्या? साहब साहब मेहरबानी होगी, जल्दी छोड़ देंगे तो। मुझे इन बच्चों को समय पर इनके घर पहुँचाना है। हाँ सर मैं फोन करता हूँ, अगर समय पर घर पे बच्चे नहीं पहुंचे तो क्या बम से उड़ जाएंगे? साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। अबे अरे तो सर मेरा लाइसेंस दीजिए। अबे चुप है, तभी से बात भी नहीं कर रहे। वो मुझे बात करना सिखाएगा? ये सब क्या है? किधर, किसको किसको ठोका दो? ये लाइट क्यों टूटी है? देखिए साहब, कल रात को एक बाइक वाले ने ठोक दिया था, बच्चों को छोड़ने के बाद बनवा लूंगा। आज चल अभी तेरी रिपेयरिंग मैं करता हूँ। रहम करो साहब, मुझे इन बच्चों को घर पहुँचाना है। पाप कर आज क्या साले? नहीं सर, 500 रुपए का पाती बना। साहब क्या करें? नो इंडिकेटर, ओवरलोड। जी साहब, मेरी दिन भर की कमाई है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? साले सर, कुत्ता तू है जो मार रहा है, गरीब के पैसे छीन रहा है। आईजी को फोन लगा। सर देखिए साहब, आप मैं नरेन, नहीं तो मुझसे मत उलझना। नायर सर, यहाँ लाओ उसे। सर अबे सुअर, तू पुलिस ऑफिसर से पुलिस ऑफिसर की शिकायत करेगा? तेरी तो मैं नरेन छोड़ मुझे। महाशय कुछ भी हो जाए तुम इस आदमी को अब छू भी नहीं सकते। हेलो 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 सर, सर एक मिनट सर। शिट, नरेन हट जा, मैंने कहा हट जाओ। क्या कौन? सर नहीं साहब, नहीं साहब, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए साहब। सर हाँ, तकलीफ है? और किसी का बाकी है क्या जो इसने छीना है? तुम्हारा भी है ना सर, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इस भूखे कुत्ते के पास ही रहने दो। अच्छा साहब, अगर आज्ञा हो तो इसको 2-4 गालियां सुना के जाऊं, पैसे वसूल हो जाएंगे। कुत्ता कहीं का। देखा ना, जेब में भले ही 2 रुपए नहीं लेकिन इज्जतदार आदमी है, अपने बाप से संस्कार मिला जो तुझे नहीं मिला है। I pity not you, but this attire, this uniform. जनता की मेहनत की कमाई का पैसा सरकार टैक्स के रूप में लेकर तुझे ये शानदार वर्दी इसलिए नहीं देती है कि तू जनता के साथ इस तरह का बर्ताव करे, बल्कि इसलिए देती है कि तू गरीब मजदूर जनता की जान माल की हिफाजत करे। पुलिस वही होती है, वही होता है पुलिस वाला।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ क्या बात है, तुम्हारा सस्पेंशन खत्म हो गया? सर लेकिन पोस्टिंग। हाँ सर 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 फोन। सर नरेंद्र है। इडियट कहाँ पर हो तुम? मैं यहीं पर हूँ सर। सर बात बोल रहा था मैं यहीं पर हूँ सर। दादागिरी दिखा के अब चुपचाप यहाँ पर आकर खड़े हो, समझते क्या हो? बेवकूफ कहीं के। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें पोस्टिंग लेकर 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए इस शहर में, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मेरी नाक के नीचे दूसरों की छाती पर पैर रखकर, वो भी पब्लिक रोड पर? हाँ मेरी तरफ देखो, तुम्हें जरा भी शर्म है? यू इडियट सर। बेवकूफ तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? सर आपको शर्म आती है? आती है क्या? इस जैसे रिश्वतखोर की तरफदारी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मुझसे जुबान लड़ाता है इडियट। सर प्लीज जाने दीजिए, मेरी वजह से आप बेइज्जत मत होइए इस नौलेक के सामने। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। याद रखो इसे हाथ मत लगाना। सॉरी सर। अब मुझे सॉरी बोल रहा है? सुनो सर, तुम्हारा एक रिटन कंप्लेन चाहिए मुझे। राइट। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड में तुम्हारा भविष्य क्या है। चलो हटो यहाँ से। सर सर बिल्कुल। अब टेक इट सर। कहा ना इसे पकड़ो। सुबह हुआ नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई करने चले आए, वजन है क्या? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ब्रीफकेस भारी है क्या? अरे मुंह में लड्डू डाल के रखा है क्या? सर आप ही पकड़िए भारी है तो। एक दूंगा ना, बटन लगा के रखो। हाँ तो अब बता कैसी लगी मेरी नौटंकी? शाम को यूनिफॉर्म उतारने के बाद एक चार पैग मारने का मजा ही कुछ और है। That's none of your business. क्या? सर आप अपना काम देखिए ना। हट। ये ब्रीफकेस उधर रखो। हाँ चलो खोलो। ये लो तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। हाँ अरे रख लो ना, ये खंबा है, असली धार का माल है। अरे शाम को वो संतरे की खुशबू वाली जो देखते हैं उसका नाम क्या है? शकीली। शकीली नहीं शकुला। वो तुझे अच्छी तरह याद है, मेरी भतीजी दुबई से आते समय इसे खास करके लेकर आई थी। एक तुम्हारे लिए भी है, तुम कन्नूर में थे इसलिए मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। ये लो पकड़ो। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब? मतलब एक नालायक के लिए आपने पूरे स्टाफ के सामने मेरा ही नहीं मेरे बाप का भी नाम मिट्टी में मिला दिया, उस नालायक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। धीरे से बोलो। डीजी साहब का फोन है, मैं बात कर लूं। हेलो। हाँ दो सर, मैं शहाबुद्दीन। नहीं सर, कान पकड़ के उसे मैंने बिल्ली की तरह बाहर खड़ा किया है। नहीं नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक होनहार ऑफिसर को बुलाकर सबके सामने बेइज्जती करना सर ठीक नहीं है ना? सर आप उससे एक सवाल पूछेंगे तो वो 10 जवाब देगा, बेकार में आप उसके मुंह क्यों लगते हैं सर? वो बिना अकल का एक चट्टान है सर। सर सर उसकी जरूरत नहीं है सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा जी। फोन रखता हूं। बाप रे, समझ में नहीं आता है तुम्हें? बिना सोचे समझे किसी सरफिरे को पकड़कर उसे सुधारने की कोशिश मत करो, कितनी बार तुम्हें समझाया है? इतने साल की सर्विस में किसी बड़े ऑफिसर्स का इतना खरा खोटा मैंने पहली बार सुना। बाप रे, अभी कुछ ही देर में सीएम के ऑफिस से भी यहाँ पर फोन आ जाएगा, ये क्या लफड़ा है और तूने क्या कार्रवाई की ये जानने के लिए? मैं क्या जवाब दूं भाई साहब, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। जो कहना था कह दिया, अब क्या बाकी है? हा? क्या कहा? हा? सर सीएम का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। हे नरेंद्र, एक थप्पड़ लगाऊंगा तुझे। ये लो कैलाश चंद्र जोश। अरे सुबह मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना मर्डर केस, ये तुम्हारा स्पेशल असाइनमेंट है सर। इसकी तहकीकात कल से शुरू कर दो सर। जो भी इसका बैकग्राउंड और सबूत है वो सब इसमें है। यू विल रिपोर्ट टू मी सर। हाँ नरेंद्र जरा रुको ना, ये लो इतना बड़ा बोझा मैं कितनी मेहनत से ढोकर लाया हूँ।
जरा याद कीजिए, ये बोझा आप ढोकर नहीं लाए। सुबह मैडम ने कपाट से निकालकर आपके ब्रीफकेस में रख दिया और इसके बाद वो ब्रीफकेस गाड़ी में रख दिया और ड्राइवर से कह दिया कि आपको दे दे। यही सच है ना सर? हाँ, इसका मतलब फोन पर उसने सब कुछ बता दिया, मेरी नालायक बीवी ने? नहीं सर, आपके नालायक ने मेरी नालायक को बता दिया। थैंक यू सर। अरे सुनो, एक और बात मुझे जाननी थी। प्रभा क्या चाहती है? वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहती है क्या? तुम कहो तो मैं किसी से बात करूं, अपने सीनियर से? नहीं सर, साल में 4 बार जगह बदलने वाले की बीवी को वकालत का काम क्या कोई भी काम मिलेगा? अरे लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है, ये उसकी सोच है, उसका फैसला है। मुझे लगता है मुझे ये सर्विस छोड़कर कोई भी बिजनेस कर लेना चाहिए, वरना मेरे बाप की तरह मुझे भी कोई बम से उड़ा देगा। अरे बहुत हो गया, पागलों जैसी बातें कर रहे हो। हाँ सुनो, थॉमस एंथोनी, हाँ जानते हो ना उसे? वो इस केस में तुम्हारा सीनियर है, जाकर उसे मिल लेना। ठीक है। और स्टार्ट करनी नहीं है, जब भी जल्दी होती है तभी ये नाटक करती है। क्यों, क्या हुआ? सर बैटरी डाउन हो गई सर, चेंज करवानी पड़ेगी क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही। किसी को बुला कर दिखाओ। ये लो पकड़ो सर। ऑटो बुलाओ सर। ओ अरे नरेंद्र, हाँ क्या यार, तूने कन्नूर से आकर यहाँ पर चार्ज ले लिया लेकिन एक बार फोन तक नहीं किया। वैसे क्या बात हुई? सर एक्चुअली क्या हुआ? सीधे बता। सर आई मीन जो नहीं होना चाहिए था कल वो हुआ। गाड़ी यहाँ खड़ी करने से पहले हमारे दूसरे SI सदाशिव सर ने इस गाड़ी की बैटरी अपनी गाड़ी में लगा कर अपनी बैटरीज में लगा दी। ये बात है। तो तू क्या सर, तुझे अपना वो सहदेवन का बार मालूम है? क्या कह रहे हैं सर? अरे नॉर्थ में ओमेगा बार। अरे तुझे पता है ना, हमारा पुराना सहदेवन दारू वाला, जिसकी वजह से 4-5 लोग अंधे हो गए थे, जिसकी तूने अंदर करके लात घुसे से हड्डी पसली नरम की थी, याद है? हाँ, वो बहुत शरीफ है। छोड़ यार, तुझे समझाना बेकार है। सुलेमान जी सर, तू यहाँ से सीधे ऑरेंज बार जा, काउंटर पे सहदेवन का साला पुष्कर से जाके मिलना, उससे कहना थॉमस सर ने भेजा है SP, ये जरूर कहना। जी सर। वो 1 मिनट में अपने आदमियों को भेज देगा, कैसी भी बिगड़ी हुई गाड़ी को बनाकर जहाँ बोलोगे लाकर छोड़ देगा। तू जल्दी जा, मैं उसे फोन कर दूंगा। जी सर। तुझे और भी कुछ चाहिए क्या? फॉग लैंप, टायर, कोई आइटम? चुप गधे, मुझे फॉग लैंप, बैटरी, टायर कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार की गाड़ी है, सरकारी बनवाएगी। सरकार तुझे नई गाड़ी लाके देगी ना। देखना इंदर, देख हमारे इस डिपार्टमेंट में तुझे जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है ना, वो बियर बार वालों की दया से चल रही है, समझा ना? ये सारी गाड़ियाँ उन्हीं के दया से रोड पर शान से चल रही है सरकार के नाम पे, है ना? और तू देख स्कोडा, इसका ऑयल, डीजल, फिल्टर चेंज, अरे इसका टायर बदले हुए 1 महीना ही हुआ है, एक फूटी कौड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इस थॉमस को। सब स्पॉन्सर्ड है यार। उन्होंने अपनी बीवियों को तो तुम्हारे लिए स्पॉन्सर नहीं किया ना? क्या मतलब स्पॉन्सरशिप? ये तेरी तो और हाँ एक और बात, तू अब पहले जैसी सन की खोपड़ी मत चलाना, समझा? इस वक्त एक कदम ऊपर है AC नरेंद्र से, ये थॉमस एंथोनी SP। मैं तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। ओ हाँ, अरे हाँ नरेंद्र, आज हम लोग ऑफिस नहीं चलते यार, तू मेरे साथ चल, हम लोग सीधा यहाँ से क्लब जाएंगे, जरा मूड वूड फ्रेश करते हैं। नहीं रहने दीजिए, आप जाना चाहते तो जाइए। अरे चलना यार। मुझे नहीं जाना। अरे नहीं यार, तेरे ही घर पे मुझे भाभी से मिलना है, फोन करके कह दे, अच्छी सी चाय बनाया। मॉडर्न लेफ्ट, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, संघर्ष और जीवन। क्यों भाभी, ये पागल आपका पति है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर भी भाभी जीने के लिए जरूरतमंद 4 साधन तो घर में होने ही चाहिए, चाहिए कि नहीं? घर खाली खाली उदास उदास अच्छा नहीं लगता, कम से कम 4 कुर्सियां तो लोगों को बैठने के लिए होनी चाहिए। वो आते ही होंगे, ये बात उनसे ही कहिएगा भाई साहब। आपको पता है ना, मैंने आप लोगों से कहा था, जब आप लोग कन्नूर से शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ कोई भी चीज चाहिए मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा मेरे यार तुझे जो भी चीज चाहिए मुझे बता दे, मेरे लड़के तेरे घर तक सारी चीजें पहुँचा देंगे और जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा और तुम्हारा घर जरूरत की सुंदर सुंदर चीजों से भर जाएगा। लेकिन मेरी मानता कौन है? वो हराम की कमाई का जो सामान है ना, वो मेरे अंकल आंटी यानी तुम्हारे माँ बाप उनके यहाँ पहुँचा दो, दुआ देंगे। भाभी इसकी यही बातें ना, हम यही चटाई बिछा कर शान वाले इस गरीब के घर में आने की जरूरत नहीं है। चाय अच्छी है। तू जाना यार। सुनिए भाभी, मैं अपने लड़कों को यहाँ पर जरूर भेजूंगा। अरे
वही इंस्टॉलमेंट वाले। सोफा हो, पलंग हो, डाइनिंग टेबल हो, कबर्ड हो, या कुछ भी हो, जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए वो यहाँ लाकर छोड़ देंगे। सहूलियत के मुताबिक तुम लोग के पास जितना भी होगा उतना भरते रहना, अगर नहीं हो सका तो भरने की जरूरत नहीं है, सब मेरे ही आदमी है। थॉमस भाई साहब, इंस्टॉलमेंट में हो या फ्री में हो, मेरी मर्जी के खिलाफ एक माचिस की तिली भी आए ना तो लोने वाले की हड्डी फसली तोड़ दूंगा मैं। हाँ तोड़ लेना भाई, तेरी मर्जी, मैं क्या बोलूं। लीजिए भाभी। हाय अंकल। अरे राजा। पिछली बार जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थे, तब मिलने आए थे ना थॉमस अंकल, याद है? अब तो बिल्कुल अच्छा लग रहा, बिल्कुल फिट है ना? स्कूल में भर्ती कराया क्या? हाँ जाता हूँ, नेशनल पब्लिक स्कूल। ओह, नेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ की पढ़ाई एकदम बेकार है। सुन, तू अपने आदर्श के लिए जो चाहता है कर, लेकिन बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद मत करना। ठीक है। तू भी ना। चल बेटा, हम लोग चलते हैं। देख, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, डिनर के बाद मैं इसे भिजवा दूंगा। हाँ, आज तुम लोग खाना मत बनाना, मैं भिजवा दूंगा। बिल्कुल नहीं। क्या, ये क्या बात हुई? तू इसे लेकर जा, हम उधर आ जाएंगे, आज का खाना तेरे घर पे खाएंगे। ये हुई ना बात। ओके, चल बेटा, हम लोग चलते हैं। अरे हाँ नरेंद्र, तू आते समय आईजी साहब ने जो सामान दिया था उसे लेते आना। ओके। अरे यार, वो शकीला नींबू अचार के साथ जरा मूड बनाएंगे, है ना? हाँ। थैंक यू। अरे यार, अब मैडम आ रही हैं, हम लोग उसका यहाँ वेट कर रहे हैं, आने में देर की वजह से तुम कुछ अनाप शनाप मत बोल देना। हाँ। लो, वो आ गई। गुड इवनिंग मैडम, मैं थॉमस एंथनी। हाँ। एसपी। बालू के साथ तुम आए थे ना? जी। हाँ। आइए। जब वो एसपी था तब मैं सर्कल इंस्पेक्टर था, उनका फोन जब भी मुझे आता था तब मैं मटन लेके वहाँ पहुँच जाता था। आइए मैडम, आइए। मैडम ये है नरेंद्र, एसी। अच्छा, पहली बार मिल रही हूँ, चलो। जी। मेरे हिसाब से ये बहुत टिपिकल केस है, इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, पुलिस डिपार्टमेंट का यही ख्याल होगा, है ना? जी हाँ, जी हाँ। देख रहे हो ना, इसका चेहरा सही सलामत बचा है, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट मेस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। मैडम ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? सुना सर। देखिए यहाँ पर जरा साफ कीजिए, इस जगह। अरे मैडम का 6 बजे का अपॉइंटमेंट है ना मैडम? जी हाँ, एक्सीडेंट को 1 हफ्ता हो गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना जरूरी है, कार्रवाई अगर पूरी हो गई हो तो तुरंत भेज दो। मुस्तफा सर, ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। यस। डॉक्टर, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कोई और खास बात? नो, रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी। जी हाँ, मुझे आपसे 5 मिनट कुछ बात करनी है। नरेंद्र, इस हिस्से का क्लोज शॉट ले लो, सारे एंगल से। यस सर। फिर पूरी बॉडी का। यस सर। इंच टू इंच, एवरी मार्किंग डिटेल्स। सर। डॉक्टर प्लीज कम, प्लीज कम। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी हाँ, अब हाँ सर। अरे नहीं सर, जी हाँ। अरे आ जाना, मैं पहुंच जाऊंगा सर। नहीं सर, मैं वेट कर लूंगा सर। जी हाँ। बाप रे, सीएम थे। जी हाँ, जी हाँ। चुप, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सर, कभी कभी आप मुझे नाटक में काम करने वाले नारायण जैसे लगते हैं। जब भी फोन आता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है, फोन पर ही सल्यूट मारते हैं, पतलून गीली कर देते हैं आप, नौटंकी करते हो, शर्म नहीं आती? Hey, पहले ये बताओ, बॉडी का एग्जामिनेशन कर लिया? एनी लीड? वैसे उसे लीड नहीं कहा जा सकता सर, पोस्टमार्टम किया है, आईजी बालू की वाइफ ने। चुप रहो,
आईजी बालू, क्या वो तुम्हारे अंडर में है? इज्जत से नाम लो, आईजी बाल गोपालन सर कहो। हाँ बाल गोपालन सर। उन्हीं की धर्म पत्नी है डॉक्टर रत्ना कुमारी। वो एक काबिल डॉक्टर है, उसने ऐसा कुछ खास मिस नहीं किया सिवाय इस घाव के मार का जख्म। सर मेरे हिसाब से ये जो कैलाश चंद्र जोश है ना, इसे मरने से पहले 6 टांके लगे थे। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये कोई सबूत है, इसकी तहकीकात करनी चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगा। और मैंने फैसला भी किया, लेकिन डॉक्टर ने इस चीज को खास तवज्जो नहीं दिया। हालांकि रिपोर्ट में इसका जिक्र है, लेकिन डॉक्टर ने इसका जिक्र नहीं किया। क्या मतलब? जानबूझकर निगलेक्ट नहीं किया, गलती से हो गया होगा। तुमने उनसे पूछा नहीं? पूछा। तो उसका जवाब क्या तुम्हें आसमान से मिलेगा? तुमने डिटेल्स में नहीं पूछा? नहीं सर, एक मामूली पुलिस ऑफिसर को अपने सीनियर से या उसके परिवार वाले से बात करने की लिमिटेशन है ना, मैंने उतना ही किया। उसके बाद उनके हिसाब से वो सही कर रही हैं। इस चोट से मौत का कोई लेने देना नहीं, और ना ही इसकी वजह से मौत हुई है। तो इस बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र करने जैसी कोई व्यवस्था हमारे कानून में नहीं है। क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? हाँ कहा। सर जोश के मरने से पहले, मतलब मर्डर होने से पहले, उसका किसी न किसी के साथ जरूर कोई झगड़ा हुआ था, और उसमें लाठी सरिया या हॉकी स्टिक जैसी चीज का इस्तेमाल हुआ था। ऐसी ही किसी चीज से उसके चेहरे पे जख्म हुआ है। ओह। मरने के एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, ये कब हुआ ये पक्का कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या ये भी डॉक्टर ने कहा? नहीं। तो फिर देखने में ऐसा लगता है। सर क्रिमिनल केसेस की जब पुलिस तहकीकात करती है तो उसको सर से लेकर पैर तक इस तरह के कई सबूत मिलते हैं, बहुत सारे सबूत। लेकिन कई बार उन सबूतों की तरफ ध्यान नहीं जाता। ओहो, ऐसा क्या? सर आप जैसे बड़े ऑफिसर, हम जैसे छोटे ऑफिसर जो रिपोर्ट देते हैं बस उसी को पढ़ते हैं, लाश को कभी नहीं पढ़ते सर। अब वो लोगे क्या? नहीं सर। ठीक है, और कुछ है? हाँ सर, सवाल। क्या बात है, तो तुम मुझसे सवाल पूछोगे? यस, आप कहते हैं ये मर्डर है, मुझे यकीन नहीं है, ये भी हो सकता है कि नहीं? हाँ है सर। इस महानगर में इस तरह के सैकड़ों केस होते हैं साल भर में, हर रोज मर्डर, साजिश, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, कोई तहकीकात नहीं करता उनकी और फाइल बंद हो जाती है ना? हाँ। तो फिर इस मामले में इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है? वो क्या है कि ये मर्डर ये फैसला किसने किया, आपने या फिर आपके प्यारे सीएम ने? अब सीएम को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एक मर्डर है, समझ गए सर? तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है, बाकी बाद में। बाद में बताना पड़ेगा, मैं पूछूंगा। किससे? मुख्यमंत्री से। देखो क्यों सर, पूछो क्या? पार्टी खत्म होने के बाद सीएम साहब आज रात गेस्ट हाउस में तो आएंगे ही सर, तो फिर उनसे पूछ ले क्या हम? अरे तू मुझे बर्बाद करके ही रहेगा। हाँ रात को गेस्ट हाउस में। क्या सीएम ने रात को गेस्ट हाउस में तुम्हारे जैसे छोटे पुलिस ऑफिसर को भी मेरे साथ मिलने के लिए बुलाया है? ठीक है, शार्प 9 PM। जय हिंद। जरा जोर से सांस लो। लंबी रुकनी नहीं है। हाँ तुम किससे कह रही हो? बरसों से ये सांस को खींच कर पकड़ कर ही चलते हैं, इसी वजह से तो तकलीफ हुई है। इसके अलावा और कोई तकलीफ है क्या? बोलिए। तुम्हें कुछ सुनाई देता है क्या? क्या कर रही हो? अरे भगवान। इसके अलावा सुबह जब मैं बैठता हूँ तो तकलीफ होती है, कमोड के ऊपर पूरा बदन सुस्ती से भरा रहता है। ये तो आपने सच कहा डॉक्टर, किसी तरह इनकी इस तकलीफ को दूर कर दो, इसके बाद इन्हें कोई सर दर्द ही नहीं रहेगा। मैंने दवाई बदल दी है मैडम, सब ठीक हो जाएगा। ठीक। वो कैसे? ये अगर ठीक होना है तो मुझे सारे काम छोड़कर लंदन जाकर वहाँ आराम करना होगा। मुझे लंदन सूट करता है और लंदन से मुझे प्यार है, यहाँ के सारे डॉक्टर्स गधे हैं। डॉक्टर साहब आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, सठिया गए हैं। ठीक है सर, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ हेलो। अरे यार मैं 22 को दुबई पहुँचूंगा, अभी तक उनका बैलेंस सेटअप नहीं हुआ है। क्या? हाँ डेटा किरेपान पकड़कर वसूल लेगा। हाँ छोड़ो ना। अरे मम्मी वो पापा इतना बेवकूफ नहीं है, ये तो सभी जानते हैं क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ दिखा हुआ है। हाँ एक मिनट, DIG साहब आपका वेट कर रहे हैं। अरे जरा रुको तो, ये पहनने के बाद जाओ, चाहे कोई भी मिलने के लिए आता है बस यूं ही चल देते हैं नंगे बदन। ये निकालिए, चलिए निकालिए। बता दिया मैंने। जी हाँ। अभी आएंगे? हाँ आएंगे। अरे इतनी जल्दी है तो तू यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? सर मुझे मुजार में पोस्टिंग। अरे एक दूंगा ना। मुजार नहीं है, मुन्नार है, बीच में ना है ना। मूर्ख लोग।
वैसे भी दुनिया हमें यही कहती है मूर्ख। सर सर ये पोस्टिंग के लिए आए हैं लेकिन वो जहांगीर की वजह से वो इनसे बात करो। जी सर। अरे वो कहां गया? हेलो वो बाहर है। हाँ तो उसे अंदर बुलाओ। ये लो ये खा लो पहले। हाँ लाओ। पार्टी का सम्मेलन है इस वजह से सुबह से ही परेशान है। हाँ वो तो है लेकिन ये तो इनकी पुरानी आदत है किसी से वादा करके एन वक्त पर पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही हैं ये। लाओ लो। जब पहली बार ये सीएम बने थे तब मैंने और मेरे बच्चों ने सोचा था कि हम लोगों को खजाना मिल गया है। ये लो अब तुम अंदर जाओ। सर एक्सक्यूज मी। आओ आओ। गुड इवनिंग सर। तो ये चीता है या बाघ? क्या नाम बताया इसका? सर नरेंद्र। असिस्टेंट कमिश्नर है सर। जी हाँ सर। ये कुछ ज्यादा ही होशियार है तेरा ये साथी। नहीं सर वो क्या है कि तुम्हें किस लिए बुलाया पता है? सर इससे पहले कभी किसी सीएम ने तुम्हें डायरेक्ट इस तरह बुला के बात की है? कभी की है क्या? सर मैं इनका बॉडीगार्ड था 2.5 साल तक इनके आखिरी दिनों में, उसके बाद इनके मरने तक। अच्छा तुमने इससे ये क्यों पूछा कि इस केस में सीएम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? सर देखो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं वहां टांग मत अड़ाओ अपनी। जी हाँ सर। तुम जैसे होनहार ऑफिसर के कामकाज में अगर इस जैसा बेवकूफ ऑफिसर दिमाग चाटने लगे तो फिर तुम्हारे काम में सिर्फ रुकावटें ही आएंगी। जी सर। इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बुलाया। जी हाँ। अब आगे पीछे चाहे जो कुछ भी हो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कुछ चैनल वालों को और कुछ प्रेस वालों को मैं थोड़ा गुमराह करके अपना काम बहुत आराम से करता रहता हूँ। यही है मेरा चेहरा सर। बीच बीच में गलत को सही साबित करने के लिए ऐसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जी हाँ। और ये काम भी कुछ इसी तरीके का है इसलिए बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद ना करें। ये बात इसे समझा दो। समझाओगे इसे? हाँ समझा दूंगा। अब जाओ। सर ए, सुनो सुनो चीते। सर मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा ये चेहरा ज्यादा पसंद नहीं आया है ना? नहीं। सर इनके साथ जब मैं था इनकी बात ही कुछ और थी। इनमें प्यार था। मुझे ये कभी छोटे ऑफिसर की नजर से नहीं देखते थे। कभी नहीं सोचते भी नहीं थे। लेकिन जब आप मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं तो बुलाता हूँ तो ये सिर्फ एक दिखावा लगता है और कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई सामन अपने नौकर को बुला रहा है और कुछ नहीं लगता सर। ए, क्या कहा? नरेंद्र। मैं डर रहा था सर। अरे मैं डर रहा था सिर्फ मजाक में। अब सर आउच। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं। आहा, क्या हुआ शॉक लगा? तुम्हें क्या? उस इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर चेक करवाना पड़ेगा। जरा देखा। ओ, कुछ खास नहीं। चलो छोड़ो। हाँ? मुझे दो। इसका ड्रायर काम नहीं कर रहा है। वैसे ही सूख जाएगा। इसका टाइम खत्म हो गया है अगर इंस्टॉलमेंट पे दूसरे ले ले तो। अब वो आ जाएगा। पर तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कि सीएम को इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं बताओगे? नहीं। देखो एक पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें पता चलती है। उसमें 99% गलत भी हो सकती हैं। जो गलत है उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कभी नहीं। लेकिन 1% सच्चाई को अपनी बीवी को भी नहीं बताएगा। कभी नहीं बताएगा मर जाए तब भी। वरना फिर ये पुलिस की मूंछ क्यों होती है? आज मेरी नीयत खराब हो रही है। अरे रे रे। सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए? सर लगभग। सर सीआई जितेंद्र ड्यूटी पर तो लेकिन जगह पर नहीं। यहाँ का इंचार्ज कौन है? अरे बाप रे झंडू नायर एएसआई हाजिर है सर। जब आपने यहाँ फोन किया था तब मैं सर
जल्दी करो। देखिए सर, कल रात को मैं क्या है ना, नाच गाने के प्रोग्राम में था तो शट अप, यहाँ क्या करो, चलो अंदर जाओ। वो क्या है ना सर, जब मैं दाढ़ी बना रहा था ना तो अब ये लोग पहले तुम अपने कान से ताश का पत्ता निकालो। क्या करो? अपने कान से ताश का पत्ता निकालो। ओ, 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 हाँ, अब बताओ कि सीआई जितेंद्र कहाँ है? अरे सर, जब से आपका फोन आया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, तब से वो यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा था। उसी समय यहाँ पे सीएम का फोन आया सर, सीएम साहब को सम्मेलन के लिए प्रेस वालों और चैनल वालों के लिए जगह का इंतजाम करना था। अब पार्टी वालों का फोन आया तो यहाँ कैसे रोक सकते थे सर? नायर सर, ये जोश कैसा आदमी था तुम जानते हो? सर अगर आप ऐसे पूछेंगे तो पूछूं तो सर, अगर देखा जाए तो इस पूरे इलाके में जोश के नाम की सिर्फ हवा भर है, वरना देखा जाए तो कोई भी केस, चाहे वो मारपीट का हो या कुछ और, कोई भी यहाँ पर दर्ज नहीं है। नायर, तुम कभी जोश से मिले हो आमने सामने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये कौन है? पेट्रोल पंप से पैसे लेने आया है, डीजल के सर। हाँ तुम बाद में आना। नहीं रुको, ये बताओ ये कौन है, क्या इसी का नाम बॉबी है? ये सर जोश का छोटा भाई है सर, बहुत ही सीधा साधा था, पिछले 18 सालों से ना बोल सकता था ना हिल सकता था, सालों से बिस्तर पर था सर। और यहाँ यहाँ कौन था नायर? जोश सर, 87 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को गोली से उड़ा दिया था। इसके अलावा 9 क्रिमिनल केसेस हैं इसके ऊपर इन 4 फॉरेस्ट इलाकों में, लेकिन उसके खिलाफ ना तो कोई कंप्लेंट है और ना ही कोई रिकॉर्ड है किसी भी स्टेशन में, है ना? देखिए सर, हर डिपार्टमेंट में ऊपर से लेके नीचे तक उसकी पहुंच है सर, हर बार बड़े लोग आकर उसे बचा लेते हैं सर, न कोई गवाह मिलता है न कोई सबूत। शट अप। जोश यहाँ अक्सर आता था अपने आखिरी दिन तक, यहाँ दौलत बांटने के लिए हर त्योहार में, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस, होली या दिवाली, हर पुलिस स्टेशन में सब उससे रिश्वत लेते थे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम भी उसे जानते होगे, तुमने उससे रिश्वत ली है कि नहीं? फिर तुमने क्यों कहा कि उसे नहीं जानते? मना करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था क्या, या फिर ऊपर से फोन आया था? नहीं सर। तो फिर जरा वो डीजल का बिल देना सर। इधर दो। KL01GQ139 गाड़ी किसकी है? कल रात को जितेंद्र सर ने आकर अपनी गाड़ी में डीजल भरवाया था ना, कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं। सुबह से मैंने बार वाले, पान की दुकान वाले सबसे पूछताछ की है जितेंद्र सर की रास लीला के बारे में। मुस्तफा सर, अरे सर, अरे सर क्या कर रहे हैं सर, सर मैं आपके पैर पकड़ता हूं। पैर क्यों पकड़ता, चल हट नालायक। सर मैं रिटायर होने वाला हूं, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? हट यहां से, हट यहां से। जितेंद्र से कह देना कि सूरज डूबने से पहले मुझसे आकर मिले, वो कहीं भी हो, समझा कि नहीं? इसे मैं जानता हूँ, इसके छोटे बेटे का जन्म यही हुआ था, यही कुछ 5-6 साल पहले। यह आदमी कुछ ज्यादा ही मशहूर होने से इसका चेहरा याद है। और एक बात, लेकिन इसके चेहरे पर जो जख्म है उसके स्टिचेस यहाँ नहीं हुए हैं। उसकी वाइफ की डिलीवरी के वक्त उसने यहाँ एक छोटा सा लफड़ा कर दिया था, उसने जबरदस्ती एक नर्स को थप्पड़ मार दिया था, तभी हमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी। इसके बाद यह आदमी यहाँ कभी नहीं आया। लीजिए डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट ले लो और उन पर इनका साइन भी ले लो। यस सर। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ सर? रेंज इंचार्ज विजय है, वो आपसे मिलना चाहता है। चलो सर। जल्दी कर बे। सर रुकिए सर। हमेशा जोश जैसे शख्स को फॉरेस्ट वालों का और पुलिस वालों का भरपूर सपोर्ट मिलता है। बॉर्डर के उस पार पूरा जंगल है, काले कारनामों के लिए वहाँ के जंगल बहुत सेफ हैं। यहाँ से देखें तो टॉप स्टेशन क्रॉस करने के बाद सेतु पारवलीपुरम या सेलावट्टी या वाया होकर कोई मेदुपनियार परम्बरा सोरापट्टी रोड पहुँचते हैं ये लोग जंगल के रास्ते से। जोश का ये एक खास अड्डा है ना मिस्टर विजय? सर, लेकिन हाल ही के दिनों में दुश्मनों के डर की वजह से जोश ने अपना रूट बदला है। ये देखो, ये है फॉरेस्ट चेक पोस्ट, जंगल का रास्ता इसलिए कोई जाता नहीं, बॉर्डर का चौथा सेक्टर एल्लपट्टी। सर यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से ड्यूटी करने वालों की लिस्ट चाहिए मुझे। सर वो उनका नाम, फोन नंबर, ड्यूटी का टाइम, सारी डिटेल्स आज ही चाहिए मुझे। सर आज ही। हाँ तुम गए थे ना, क्या हुआ? जोश का पूरा बैकग्राउंड चेक किया?
कोची के जिस लॉज में जोश रहता था वहाँ के मैनेजर और स्टाफ से बात की। अगर माने तो पिछले 18 साल से जोश एक जंगल का दलाल था। हर महीने वो कोची आता था सिर्फ अपने पैसे के लिए या पर्सनल काम से। कच्ची दारू की बोतल को खड़े खड़े पी जाने वाला ये एक नंबर का शराबी था। ज्यादा आता जाता नहीं था, काम के वक्त को छोड़कर। स्टेटमेंट पढ़ा था। कमकल और गोलीवेर में इंक्वायरी करने पर पता चला कि वहाँ से करोड़ों रुपए का गांजा लेकर ये अक्सर जाया करता था बड़े लोगों के सपोर्ट से। लेकिन जोश ये माल लेकर कोची जैसे महानगर में कहाँ किसके पास जाता था, किसे बेचता था, ये कोई नहीं जानता सर। कोई बताने को भी तैयार नहीं, कोई नहीं। अब जोश का गॉडफादर कौन है ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, और मेरे ख्याल से वो आदमी मुख्य। शट अप। अंडा करी, दो चिकन रोस्ट और ऑरेंज जूस तू निकाल कर रखना, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ सुनो, तुम्हारे खिलाफ इन्होंने शिकायत की है, तुम इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं करते हो। अच्छा ये बता, तू फॉरेस्ट में कुछ तहकीकात करने गया था ना? सर मैंने समन भेज दिया। क्यों, जोश की फैमिली वालों का कुछ कहना नहीं है क्या? सर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने उनको ऑफिस में बुलाया है। CI जितेंद्र वो मिसिंग है। मेरी कुछ मदद चाहिए तो बुला लेना सर, शाम को क्लब में। तो चलो सर। जितेंद्र सर का फोन आया था, वो शाम को 5 बजे क्लब में मिलेंगे। और लो। बस बस बस। नहीं नहीं भाई, अभी निकलता हूँ मैं। अगर रुका ना तो नरेन यहीं पर मेरी बारात निकल देगा। चल छोड़ो मुझे। और हाँ, पिछली बार का मेरा बिल तुमने चुकाया नहीं था? वो मैं देख लूंगा तू। जा ठीक है। सुन, मैनेजर को बुला के हिसाब किताब तो कर देना, मैं जरा हल्का हो के आता हूँ। जी सर। क्या मुसीबत है? हेलो। हाँ और नहीं तो क्या, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अरे मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता है। हाँ CM उधर है क्या? उन्हें फोन दे। जा। हेलो हेलो, मैं जितेंद्र। अरे याद है, हम पहले भी कभी मिले हैं, 4 साल पहले। अरे त्रिशूर में ऑफिशियल हम लोगों का स्टेटमेंट चल रहा था कसीनो में, याद है ना? उसके बाद हम दोनों सर्किल में चले गए थे। उस वक्त मैं सस्पेंडेड था, मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। अच्छा तो फिर हम कहाँ मिले हैं? नहीं मिले। हाँ करेक्ट, वैसे हम लोग दोनों एक ही बैच के हैं। मैं अभी तक किसी चोर चीटरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा नहीं ना, इसीलिए AC नहीं बन पाया। बोलो क्या लोगे? ओह हाँ, तुम जोश के बारे में कुछ पूछना चाहते हो ना? मैं कह देता हूँ कि मैं उसे जानता था और मिल भी चुका हूँ। कैसे 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 क्या? हाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर वगैरह वगैरह पर वो मिलने आता था और बहुत कुछ लेके आता था। हाँ लेकिन तुम जानना चाहते हो कि मरा कैसे? ये बात ना मैंने किसी से पूछी और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। और हाँ उसके बारे में सब तमिलियन लोग अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने ही मारा होगा दुश्मनी की वजह से। बम बनाने का राज वो जान गया था, आतंकवाद का। उन लोगों को चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, किसी से नहीं डरते वो, जिसको चाहे वो लोग उड़ा देते हैं। हाँ इसीलिए तुम एक काम करो यार, ये जंगल के रास्तों से अपनी जान हथेली पर रख के मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तुम एक काम करो, कोई सबूत नहीं मिला ये रिपोर्ट करो और फाइल बंद कर दो। आग से मत खेलना, जल जाओगे। ठीक है फिर मिलेंगे। थैंक्स। सुनो महाशय, मैंने सुना है तुम्हारे घर में खूबसूरत आइटम नई बीवी और एक नन्ना प्यारा सा बेटा है। तुम जबरदस्ती आग में हाथ डालकर उलझोगे तो हो सकता है कल को जब वो सड़क पार कर रहे हो तो कोई गाड़ी उन्हें आराम से उड़ा देगी, तुम्हारा तो परिवार ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्यों उनकी जान खतरे में ना हो। नरेंद्र छोड़ो, छोड़ो उसे। नरेंद्र छोड़ो, छोड़ो, जाओ यहां से जाओ। ये जानवर है क्या? नहीं, चीता। जब मैं
बैतूल में एसआई था, परसों पहले की बात है। एक ड्रग डीलर से मेरा टकराव हुआ, उसका नाम शकील था, वो रहने वाला था मदुरई का। दसों उंगली में अंगूठी, एक नंबर का कुंडा था, 7 फुट लंबा, बॉडी तुम्हारी जैसी। गांजा का दम लगाते हुए नचनिया लड़की को लेकर हम दोनों में थोड़ी अनबन अनबन हो गई। उसने एक दो बार मुक्के से मुझे मारा, फिर मैंने भी उठाकर फेंक दिया, वो सीधा जमीन पे जाके गिरा। उसके बाद वो उठा, लेकिन ऐसा ऐसा कभी कभी होता है। इधर दिखाना जरा, ये सांड जैसे चेहरे पर खून निकलवा के आना अच्छा नहीं लगता, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम सीटी से बात कर लो। बालू है या वो दोनों यही है। बाद में फोन करती हूँ। क्यों, कहानी खत्म हुई कि नहीं? जन्नत की हूरों की। निमी तगड़ा हाथ है, तगड़ा घूसा है, तगड़े बाप की तगड़ी पैदाइश भी है, मतलब आसानी से काबू में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ दुश्मनी निभाने में मजा आएगा। अच्छा नाम है, तुम्हें उसकी सूरत पसंद नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है। क्यों? मैं किसी से भी रास्ते पर लड़ता नहीं हूँ, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ, तुम शरीफ हो, तेरा बाप बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट था ना? तूने अपनी औकात तो बता दी जब उनकी मौत हुई थी। जोश की बीवी कौन है? वलसम्मा? हाँ। हमारे और जोश के बीच में क्या क्या चल रहा है? उसे वलसम्मा के सिवा कोई जानता था? तो वो एक ही आदमी है, हमारा अंकल। इसने कई रातें उसके साथ गुजारी है ना? बात पहले की बात है, वो नई नई जोश से शादी करने आई थी। कभी कभार की बात नहीं है, पहली रात से ही, हमेशा रोजाना। वलसम्मा कुछ नहीं कहेगी, वो किसी का भी नाम नहीं बताएगी। इसने पहले से उसे डरा दिया है, अगर वो अपनी जुबान खोलेगी तो उसकी दो जवान लड़कियां उसका बीच बाजार में। जब उस नरेंद्र ने तुझसे मिलने की कोशिश की तो मेरी इजाजत के बिना ही तू जाकर उससे मिला था, ये उसके लिए। ओह, मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। तेरा दिमाग भी ना, नरेंद्र को एक चूहा जाकर धमकी देगा और वो डर जाएगा। ये सिद्धू सिर्फ शरीर को किराए पर लेता है, मसल्स को और हड्डियों को भी, अकल किराए पर नहीं लेता है, चाहे वो किसी की भी हो। अपनी घटिया खोपड़ी से चाल चलने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा, तेरी सोच से भी बहुत ज्यादा है सिद्धू का साम्राज्य। आप आगे सर, मेरा नाम राजा कड़चेलप्पा है। कौन? राजा कड़चेलप्पा। राजा कड़चेलप्पा, सही कहा साहब? एक्स मेंबर ऑफ पंचायत राजा एडी की। मैं हूँ साहब। टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर कोऑपरेटिव राजा कड़। वो भी मैं हूँ साहब। प्रेसिडेंट त्रिकड़ा सिनेमा फैंस एसोसिएशन। सही कहा साहब, ये सब मैं ही हूँ। आप जरा होल्ड कीजिए सर। ये क्या बला है? चल पीछे हटो। सर, ये जोश की पत्नी और उसके बच्चों को लेकर आया है। चलो। सर, आप फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए आपके घर से फोन आया है सर। वो नहीं है। इन्हें बिठाया क्यों नहीं? बैठिए। नहीं सर, रहने दीजिए। सुनो, बच्चों को बाहर ले जाकर इनके कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो, चाय या जूस लेके जाओ। और वो कुरूप से सामान जरा, जोश का सामान। ओके सर। जाओ 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 जाओ, घबराओ मत, जाओ। तुम कौन हो, रिश्तेदार हो? हाँ साहब, रिश्तेदार हूँ। हाँ साहब, मेरे दूर के। 1.5 साल तक तुम आंगनवाड़ी में पढ़ा चुकी हो, बाटपट्टी गांव में, फिर जोश ने तुम्हें मना कर दिया। तुम्हारी शादी को 17 साल हो गए है ना? जी हाँ। जोश क्या क्या काम करता था तुम्हें सब कुछ मालूम है कि नहीं?
पहले मुझे मालूम नहीं था, बाद में मैंने उन्हें बहुत समझाया था साहब, पर वो नहीं माने। वो किसके लिए काम करता था कुछ पता है? नहीं। जोश कैसा था, परेशान करता था? जोश जब आखिरी बार घर से निकला था तो उसके चेहरे पर घाव था जिसमें टाके लगे हुए थे? हाँ ठीक है साहब, उसके चेहरे पे जख्म था और उसने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी थी। घर से बाहर निकला, लड़खड़ा रहा था और गिर गया। डर क्यों रही है बताओ इन्हें। जी हाँ। उसने जख्म पर टाके कहाँ लगवाए थे? सेंट सेबेस्टियन हॉस्पिटल में। जी हाँ साहब, 100% करेक्ट। सर, जोश का सारा सामान हमें लॉज से मिला है, इनके हवाले कर दो और साइन ले लो, इन्हें बच्चों के पास भेज दो। ओके सर, आइए। रो मत, मैं हूँ ना, मैं हूँ, सब संभालूंगा। जरा सुनो। हाँ। तुम ही रुको। सर, अरे तुम जाओ, मैं आता हूँ जरा, ठीक है? हे भगवान, अब क्या होगा? बेचारी इस वक्त बहुत तकलीफ में है, ले देकर सिर्फ मैं ही उसका एक हमदर्द हूँ, रिश्तेदार हूँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? सर उसकी बड़ी लड़की बहुत ही शरीफ लड़की है, इस वक्त वो 15 साल की है और वो जवान भी हो गई है, जंगल में इधर उधर जाती समय कुछ होने का डर रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे कहें कि वो मेरे घर आके रह ले। आपका कहा नहीं टालेगी, मैं उसका और उसकी बेटियों का बहुत ख्याल रखूंगा सर। कुत्ते की औलाद, मैं तुझे रंडियों का दलाल लग रहा हूँ क्या? मारो मत, गलती होगी। उसे डरा धमका कर इस तरह के गलत काम कब से करा बता? अगर अब कुछ भी गलत किया तो तुझे जान से मार दूंगा, जा यहाँ से। ये ले जा। अरे बच गई जान, बच गई। राजा कार्ड चलेपा, मैंने सोचा था धमकाऊंगा तो कुछ उगल देगा, लेकिन कमीनों का बाप निकला, जैसा दिखता वैसा है नहीं, इस पर नजर रखो। सर। हेलो, हाँ होल्ड कीजिए, उन्हें दे दी हूँ। कौन है? मुस्तफा। बच्चा सो गया, उठा लो। संभाल के उठाना। हाँ क्या हुआ? हाँ? कैसे, कब? क्या हुआ? वो मुस्तफा की नजर से मिस हो गया। कौन? वही चेलाव। उसे देखोगी तो पता चलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पक्का क्रिमिनल है। तब छोड़ा क्यों उसे, कस्टडी में ले लेते और क्या? नहीं अभी तो सिर्फ बातें ही हैं, या अफवाहें हैं या फिर दोनों। कस्टडी में ऐसे नहीं लिया जाता, कोई सबूत चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। जोश की पत्नी की आंखों में मैंने अजीब सा डर देखा, बहुत ही अजीब सा, लगता किसी ने उसे धमकाया है। तुमने पूछा नहीं? नहीं, वक्त आया नहीं, वो लोग कुछ और हैं। अब बस चलो, टेंशन मत लो। तुम्हें नींद नहीं आ रही? मम्मी, बू, मुझे नींद नहीं आ रही। अब चल चुपचाप सो जा। बाप रे। एक दो तीन, ये तो बहुत ज्यादा है, पर इतने किस लिए? हाँ सब तुम्हारे हैं। क्यों, हिसाब किताब हो रहा है? सबसे बड़ा खबरी राजा कट चेलप्पा है ना? हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन चलो। ऑल राइट। नरेंद्र कैसा आदमी है? बहुत ही कड़क है साहब। बहुत ही सिद्धांत वाला है। काम की बात बताओ। सच कह रहा हूँ साहब, गन निकाल के खोपड़ी पे लगा दी, पर मैं डरा नहीं, बस डरने की एक्टिंग की तरह। नरेंद्र उस पर यकीन किया? हाँ साहब, उसके बाद भी नरेंद्र को उसकी बात झूठ लगी, वो ही करेगी जो मैं उसको कहूंगा, चिंता की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सुना है तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है? वो छोड़िए साहब, मैंने उसे रास्ता में भटका दिया था। काम की बात करो साहब। जब मैं चकमा देकर यहाँ आ रहा था तो मेरे दिल में कुछ कुछ फीलिंग्स हो रही थी, मैंने मुड़कर देखा, कोई सच में मेरा पीछा कर रहा था। मेरे पीछे देखते ही वो दुकान पे जाके पानी पीने की एक्टिंग करने लगा, वही जासूस था, मैंने पहचान लिया उसे, वही पुलिस वाला SI। उसके बाद? उस पुलिस वाले ने जब मुझे देखा तो मैं भी कम थोड़ी था, इलेक्ट्रिक पोल से मैंने ये फ्यूज निकाल के उसका फ्यूज उड़ा दिया। पूरी मार्केट की लाइट चली गई, टोटल डार्क, और उसी अंधेरे में चकमा देकर मैं यहाँ भाग आया। ठीक है जाओ। ठीक है साहब। साहब क्या है? इस खबर पे झोला भर दो, चल निकल। ओ, आ,
को प्रणाम। क्या अंकल, एक से एक नमूने पाल रखे हैं आपने। कहता है फ्यूज निकालने से वो चकमा खा गया, उसका पीछा हो रहा है, नरेंद्र चालाक पुलिस वाला है। रिस्क है ना? रिस्क है। अच्छा क्या उम्र होगी उसकी, जोश की वो छोटी वाली लड़की की? यही कोई 5 या 6 साल। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैलाश चंद्र जोश जब आखिरी बार घर से निकला तो येल्ल पट्टी चेक पोस्ट की ड्यूटी पर तुम नहीं थे, ये था। बोलो यही था ना? अरे साहब मैंने पहले ही बताया ना। बताया तो था। जब कभी भी जोश को चेक पोस्ट पार करना होता था तो किसी न किसी का कहीं न कहीं से कोई फोन तुम्हें जरूर आता था। ये तो तुमने बता दिया, लेकिन किसका आता था ये नहीं बताया। मुंह खोल और बता। मैंने कहा ना सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ो मुझे। तेरा बाप भी बताएगा, चल बता बता। रुको सर, छोड़ो मुझे। यूनियन लीडर ओम कालीचरण, स्टेट कमेटी मेंबर। यस सर। एक फोन आया था ऊपर से। सर जोश के आखिरी दिन जब वो घर से निकला था, उस वक्त के समय पर गौर करें तो तकरीबन 5:30 बजे उसने चेक पोस्ट क्रॉस किया था। सही कह रहा हूं ना मैं? सर उस दिन ठीक 5 बजे तेरे मोबाइल पर एक फोन आया था। नहीं सर। देख इस नंबर से याद कर। लेकिन जोश के मर्डर की खबर समाचार पत्रों में आने के बाद 2 नए सिम खरीद लिए और नंबर भी बदल दिया, है ना मिस्टर विजय? यस सर। हाँ अब बताओ, कोई है ही नहीं ऐसा, किसी ने तुम्हें फोन किया ही नहीं, है ना? ये सब झूठ है ना? सर तुम्हें पता है ना हमारे पीछे किसका हाथ है? हेलो। हाँ सर, सर एक मिनट सर, सर आईजी सर। सर सनी सर लॉकअप में डाल दो। सर प्रोसीजर पूरा हो गया है। नायर सर, इनके रिश्तेदारों का डिटेल्स इसके पास है सर। कार्रवाई पूरी होने के बाद रिश्तेदार या किसी पहचान वाले को इन्फॉर्म करके इनको उनके सुपुर्द कर दो सर। अभी किसी का भी फोन हम नहीं उठाएंगे, थोड़ी शांति चाहिए। शिट, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इंक्वायरी में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ जिसे हम सबूत माने, है ना? हाँ नहीं है। ये लो इसे पी जाओ। नहीं सर। कहा ना पी जाओ। हाँ अब तुम्हें उन फॉरेस्ट वालों से इंक्वायरी करके क्या मिलता है ये देखना है। सर गार्ड किसे बदलने से पहले उसे आखिरी बार फोन आया था और वो फोन आया था अपने ही ग्रुप के किसी नंबर से। जितेंद्र सर। हाँ तुमने और भी कुछ बताया था ना, जोश जब घर से निकला था तब दूसरे फॉरेस्ट वाले को किसी और नंबर से फोन आया था। सर जहाँ तक मैंने इंक्वायरी की है पता चला कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से आया था, कारुण्य निधि से, 1997 में स्थापित किया गोवा में। उसका कर्ता धर्ता एक विदेशी इटालियन, 10 साल में कई कामों को अंजाम दिया है बट मिस्टीरियस। ओहो। अभी एक लेडी केयर टेकर है, कोई बहन जी। सर आपके कानून के दायरे से बाहर आकर मुझे उसका कुछ डिटेल्स चाहिए, कोई फोन नंबर और कुछ जानकारी। कल सुबह होने से पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए आपसे। रात को सोना नहीं और लगे तो मुझे फोन करना ओवर टाइम में। ए, मैं क्या तेरे नीचे काम करने वाला ऑफिसर हूँ? हाँ कभी कभी तेरी तो
सर, अर्जेंट एक्सक्लूसिव बाय हैंड। ये लो, तुम्हारे लिए है। आईजी बालू, पढ़ लो। सर, आई एम समन्ड। ये लेटर मिलते ही मुझे तुरंत वहां हाजिर होने के लिए ससुराल में। प्रेशर ऊपर से भी नीचे से भी। सर, बालू कल जब इंचार्ज बनकर आया तभी मुझे इसकी बदबू आने लगी। सर, मुझे सिर्फ तुम्हारी तहकीकात पर नजर रखने का ही ऑर्डर है। सर, फिर भी तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से बात करूं। नो सर, मैं उनसे मिल रहा हूं। नहीं, राइट अवे। अब नरेंद्र, सर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यस सर, ही विल बी टेकन टू टास्क। कम इन सर। दरवाजा बंद करो। क्या सर? मैंने कहा दरवाजा बंद करो। ओ ये 24वां फोन है सुबह से लेकर अभी तक तुम्हारी तहकीकात करने के लिए। अभी कल सरकार के सामने और अपोजिशन के सामने सफाई देने के लिए बुलाया जाएगा। जोश के बाल बच्चों के मर्डर के खिलाफ स्टेट बंद। इतना ही नहीं, डीजी होने के नाते सारे लोगों के सवाल के जवाब मुझे देने पड़ते हैं यहाँ पे, और इन सब का जिम्मेदार तू है। तेरी वजह से हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है इसका अंदाजा भी है तुझे? बता। नहीं है ना? होगा भी नहीं। लड़ी मेरे सामने सर उठाकर खड़ा है, शर्म नहीं आती इसे? सर, चीता, बाघ, शेर, लोमड़ी, बहुत हंसी आती है मुझे जब तेरे जैसे ऑफिसर को ऐसा घटिया टाइटल दिया जाता है और उसी नाम से साइन भी किया जाता है और उसी का नाजायज फायदा उठाते हुए बेगुनाहों के सीने पर नाचता है। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों किस लिए बुलाया ये अभी तक नहीं बताया। छे, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर, आवाज कम कर। अपने से छोटे और नीचे काम करने वाले ऑफिसर को यह होशियारी दिखाना, समझा? सर, मुख्यमंत्री ने तुझे बुलाकर पर्सनली तुझे केस सौंप दिया है, इसका मतलब ये मत समझना कि तू बड़े लोगों को धमका सकेगा। तेरे जैसे एक मामूली असिस्टेंट कमिश्नर, चीता हो या शेर, हमें क्या फर्क पड़ता है? तू यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर जल्द से जल्द लपेट कर सीएम को फाइल देकर चुपचाप निकल जा। सर, इट्स नॉट माय ब्लडी बिजनेस टू काउंट। शिट, तू अभी तक नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है। फ्रस्ट्रेशन क्या है तेरा? सर, और कोई बात कीजिए। व्हाट? आई सेड कट द रबिश, प्लीज। मुश्किल है, लाख समझाओ लाख उपदेश दो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अपने घमंड में चूर ऐसा ही रहेगा तू, आज भी और हमेशा भी, है ना? सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ये बताइए। इसीलिए बुलाया था कि मुझे लगा तो समझ जाएगा। एक आखिरी कोशिश तेरी मदद के लिए। नरेंद्र, बहुत ही थर्ड क्लास केस है ये, समझ ले। आदमी हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े, एक एक करके पूरे खानदान को वो मारने जा रहे हैं। वो कौन है पता है तुझे? सर, यही समझाने के लिए तुझे यहाँ बुलाया था, दोस्त समझकर। बीते दिनों का कुछ एहसान है तेरा। इस केस की तहकीकात किसी अच्छे एजेंट से करवाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करो। यू जस्ट विड्रॉ, इसी में भलाई है। नहीं सर। नहीं तो फिर तहकीकात के नाम पर बेगुनाह फॉरेस्ट वालों के साथ तुम्हारी मारपीट, जितेंद्र से हाथापाई, जोश के फैमिली को इंक्वायरी के लिए बुलाने के बाद उनकी लाश मिलना, ये सारे इल्जाम लगाकर तेरा सस्पेंशन करवा दूंगा। एक का कटोरा दे दूंगा हाथ में, तेरी टोपी उतरवा दूंगा, कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। Then better do it, sir. क्या कहा? मैं भी देखता हूँ आपकी ताकत को। अबे कुत्ते, मैं तुझे तेरी भलाई के बारे में बता रहा हूँ और तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। You dirty beast! सही बैठा। Beast, animal, खोखर, राक्षस। नरेंद्र जब एक मामूली इंस्पेक्टर था तब उसे बीस्ट बुलाने के लिए सिखाया था एक मजिस्ट्रेट ने, बहुत पहले, बहुत साल पहले, जब हसन मोहिद्दीन कस्टडी में मारा गया था तब। फिर से अपने वही जात दिखाऊं क्या? पहले छोड़ मुझे, तू याद दिलाओ तुझे। आईपीएस ऑफिसर बालगोपालन साहब उस वक्त हम लोगों के ट्रेनर थे और मैं नरेंद्र उस वक्त असिस्टेंट स्टेशन इंचार्ज था। इस वक्त मैं भले ही तुमसे ओहदे में छोटा हूँ, उस वक्त तुम्हारी जगह मालापुरम के डीएसपी साहबुद्दीन साहब थे। उस वक्त तुम अपनी रखेल की बेटी के प्रेमी को, जो उसी के कॉलेज में पढ़ता था, उठाकर चौकी में ले आए थे क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी को लव लेटर लिखा था। फिर तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। 19 साल के उस लड़के हसन मोइनुद्दीन को तुमने बुरी तरह से टॉर्चर किया क्योंकि उसका बाप तुम्हारा दुश्मन था और बाप से बदला लेने के लिए तुमने बेटे को किसी अनजान घर में डाल दिया।
दिन रात उसे टॉर्चर किया, न खाना दिया न पानी दिया, सिर्फ सवाल करते गए तुम उससे और लात घूसों की बरसात करते गए, जिसके गवाह मैं और शहाबुद्दीन साहब हैं। जब वो मासूम लड़का खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर गया था तो मैं उसे अस्पताल ले गया था। मैं राक्षस, मैं जानवर, तुम झूठा कारण बताकर छुट्टी पर जाना चाहते थे, तब मैंने उसकी रखवाली की, इस नरेंद्र जानवर ने। 11वें दिन उस बेचारे ने मौत को गले लगा लिया और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उस वक्त वहां पर तुम और आईपीएस ऑफिसर शहाबुद्दीन साहब भी मौजूद थे। वो इस बात के गवाह है कि किस तरह तुम मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। उस गरीब का मर्डर तुमने नहीं किया, इस बात को छुपाने के लिए तुम इसी नरेंद्र के पैरों में गिरे थे। तुम कितने घटिया इंसान हो ये मैं ही नहीं तुम भी जानते हो। तुम पर लानत है। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बचाने के लिए पूरा डिपार्टमेंट एक हो गया था और उस मर्डर को हादसा बताने के लिए मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें बुरी तरह से फेर बदल किया गया, रिपोर्ट को पलट दिया गया। उस मर्डर को एक बहुत ही साधारण हादसे के रूप में पेश किया गया एक रात में। भूल गए तुम इस बात को? जब हसन मोइनुद्दीन का मर्डर हुआ था तो उस वक्त सब इंस्पेक्टर नरेंद्र इंचार्ज था, लेकिन वो खामोश था क्योंकि डर की वजह से वो सच्चाई को उगल नहीं पाया था। उसे डराने के लिए तुमने अपने खरीदे हुए गुंडे और गवाहों की फौज बाहर खड़ी कर दी थी, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं था, बल्कि डर था तो उस मासूम के परिवार वालों का, उनकी जिंदगी का। तो जैसे कमीने के कारण बम ब्लास्ट में मारे गए पिताजी के गहरे मित्र और साथी, फैमिली मेंबर, बेल ऑफिसर, रिटायर्ड एसपी मारन, सब याद है तुझे? खूनी मेरी आंखों के सामने कटघरे में खड़ा था, तेरी वजह से उसे मैं सजा नहीं दिलवा पाया, इसका अफसोस है मुझे। तुझे पिताजी की कीमत नहीं पता, जो मुझे पता है तो उनकी अहमियत नहीं जानता जो मैं जानता हूं। तो नहीं समझ सकता कि कोई गुनाह किए बगैर 10 साल मैंने कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते उतरते गुजारे हैं, जिंदगी के 10 साल, और 8 सालों तक मैं चुपचाप रोता रहा। सवालों के जवाब देते देते थक गया था मेरा वकील। जज का फैसला सुनते ही मेरी बीवी कोर्ट में ही चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उस वक्त उसके पेट में मेरा बच्चा था जो आज भी बीमार रहता है। ऐसी बुरी हालत में मैंने अपनों को तो छोड़ दो, गैरों के सामने भी मदद के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया। और तुझे याद है ना, एक दिन तू रात को मेरे किराए के घर में मुझे ढूंढते हुए आया था जब मैं जेल में था, लेकिन तू वहाँ पर मेरा दुख बांटने के लिए नहीं आया था। मैं बताऊँ क्यों आया था? मेरी जवान बीवी के साथ हमदर्दी दिखाकर उसके साथ सोने के लिए आया था तू, याद है तुझे ये बात? और आज तू मुझसे मदद मांग रहा है? तो जैसे कमीने को तो सरे बाजार सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। उस दिन मेरी बीवी तुझे सबक नहीं सिखा सकी, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। कुत्ते, याद कर उस दिन को, तुझे कुछ याद आएगा। देख इस हाथ को, ये अभी भी काफी है तुझे खत्म करने के लिए। Get out, you bloody fuck! दुख से निजात दिलाना चाहता था, मेरे कॉम्प्लेक्स को जानना चाहता था, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया था। I have no frustration. किसी बेगुनाह का रत्ती भर पसीना तक नहीं हाथों पर, लेकिन अफसोस है हसन मोइनुद्दीन के माँ बाप के आंसुओं को बांट नहीं पाया, इसलिए अपने पगार का एक हिस्सा हर महीने उन तक भेजता हूँ। तू मेरी बराबरी क्या करेगा? तेरी इतनी सी भी औकात नहीं है इस नरेंद्र के सामने। और हाँ, एक बात सुन, नरेंद्र को कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बट यू हैव फ्रस्ट्रेशन, पूछ अपने आप से, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया था ना। एक बात और सुन, जब मैं मुर्दा घर में जोश की बॉडी देखने गया था तब वहां पर एक औरत आई थी, असिस्टेंट पुलिस सर्जन डॉक्टर रत्न कुमारी, तेरी पत्नी। उसके चेहरे पर मैंने डर देखा था, सिर्फ 2 सवाल पूछे तो उसके माथे पर पसीना निकल आया था। अभी तक मुझे उन सवालों के जवाब मिले नहीं हैं, और जिस दिन मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए, I will hunt you down. तेरा शिकार करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीता, एनिमल, तेरे सर की टोपी छीन लेगा तुझसे, तेरी सारी दौलत, आईपीएस की नौकरी, काले पैसों से तेरे घर की सजावट, सब कुछ छीन लूंगा, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ खड़ा हुआ देखते रह जाएगा। Get out. मेरी वर्दी उतारेगा? अगर तुझमें दम है, अगर तूने वाकई अपनी माँ का दूध पिया, then come on, do it. दिखा तू एक बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है। प्यारे बच्चे हो ना, चलो जल्दी से पी लो, मुंह खोलो। कहा ना नहीं पीनी है। दूंगी एक। बिल्कुल अपने बाप पे गया है ये। अपने बाप पर नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा? हाँ हाँ, पूरे 1,000 रुपए गायब है मेरे पर्स से, कहीं वकील साहिबा ने तो नहीं चुराए? जब मेरी नजर अलमारी में पड़ी तो मैंने देखा 2 साड़ियों को,
कौन सा सेक्शन है? सवाल का ठीक से जवाब दो। पहले मेरे ऑफिस के पीछे आकर खिड़की में खड़े होकर एक चिच्चोर कहता था, मेरा केस लड़ो, फीस बाद में दे दूंगा, और वो फीस अब तक नहीं आई। हाँ, वो इसलिए कहा था कि गांव में दूसरा वकील था ही नहीं। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और अब वो मेरे गले पड़ गई है, उसका क्या बताओ? अच्छा, जेब में खजाना भर के रखते थे, पर केस लड़ने वाले वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास। उनके पीने के लिए चाय, सिगरेट, पढ़ने के लिए किताबें और शाम को पीने के लिए ड्रिंक, सब कुछ वो बेचारी वकील साईबाई करती थी। पापा ने तुम्हें मेरी मम्मी बनाया ना, वरना तुम पता नहीं कहाँ होती है अप्पू के बगैर। चुप कर, तब तू नहीं था। मैं था ना पापा। ते बेटे थे या अंदर थे? सही कहा ना? आप ही ना, बस कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है सुबह सुबह? अरे आपको पता नहीं है क्या, आज ऑटो वालों का स्ट्राइक है, बच्चे को छोड़ना नहीं है क्या? मैंने नहीं, आपके बेटे ने फोन करके बुलाया है। मेरी गाड़ी में जाकर बैठो, मैं छोड़ दूंगा। आओ बेटा। ये सज धज कर तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, कल से मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, अप्पू के क्लास टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है और डॉक्टर को दिखाकर मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना है। आज एक दिन के लिए मैं अपना नियम बदल दूंगा, गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आओ। ये मुंह क्यों फूला हुआ है? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें लगता है वो आईजी मुझे कुछ कर देगा ना, यही ना? सुनो, उसकी इतनी औकात नहीं है अभी, आ जाओ डरपोक। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मिलना चाहते हैं। कौन? सर आईजी बालू गोपाल सर। ठीक है, मिल लूंगा। नहीं सर, इसी वक्त। कहा ना, मिल लूंगा। तुझे नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, मैं तो पीऊंगा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। अरे मैं अभी अभी आया हूँ। ओके, आईजी बालू मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं। सर सर सर, ब्रीफकेस। अरे इसे मेरे सर पर रख दो। अरे इसे यहाँ रखो और जाओ। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे ये है क्या, बार है? सुबह होते ही खोलकर बैठ जाते हो। सर वो क्या है ना, आप आए और आपको देखते ही हम दोनों ने नहीं, इन्होंने। चल ला, मुझे दे दे। मैंने कहा ना मुझे दे। तो फिर मेरे लिए सर? अरे दूसरा बना ले। ओके ओके। उस दिन का मेरा बाकी है, बाल गोपालन सर। सर सलाम मेरे मूड की। अच्छा ये बता, तूने उसकी अच्छी पिटाई की थी ना? और नहीं तो क्या, पेट भर के राशन पानी। तू बीच में मत बोल, ये हम दोनों के बीच की बात है। बीच में टपकता है। ये लो सारी डिटेल्स। तुम्हारे कहने के मुताबिक दो दिन ऑटो में भटका, विजिट किया, फोन किया, मेल भेजा। ये है गोवा इंटेलिजेंस, ये है गोवा क्राइम ब्रांच, ये है टेलीफोन गोवा का, सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल, ये है फोटोग्राफ्स, हाँ, और ये क्राइम रिकॉर्ड्स, सब करेक्ट है। आज सुबह के फ्लाइट से भेजा है उन लोगों ने, बाय हैंड। किसने? मैडम ने। अरे यार, मैं जब 2 साल आईपी डेप्यूटेशन में था तब वो मेरी चीफ थी बेंगलोर में, मैडम आबिदा परवेज आईपीएस, और इस वक्त गोवा में एडीजीपी इंटेलिजेंस। ये लो पेन ड्राइव, इसमें उनकी जन्म कुंडली है जो बहन जी है। हाँ देखो देखो। अरे देर हो गई। तुझे तो जाना है, 12 बजे क्लब पहुंचना है, रमी टूर्नामेंट में तू वहां का चीफ गेस्ट है ना? जी सर। हाँ तो जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर। ये करुणा दीपमाला का फाउंडर है स्वामी हर्षानंद, एक्स कॉप, बाद में वो स्वामी बन गए, फिर वो समाधि भी ले लिए। ये है गोवा के एक्स एमपी जोसेफ कोर्डा, और ये गोवा में 6 महीने मंत्री भी रह चुके हैं। 6 महीना नहीं सर, 5 महीना। शशिकला नंदेकरन स्त्री, इंक्वायरी में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 4 साल पहले पार्टी के किसी आदमी ने उन्हें गोली मार दी। ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी ने फ्लाइट से नहीं भेजी है, पेपर में पढ़ा था। यह है इटली वाला फर्नांडो लुसियानो, इसका दिल्ली से कुछ कनेक्शन है। इसका दिल्ली से कनेक्शन है, हेलीकॉप्टर और गन्स डील में, उसमें ये मौजूद था ऐसा मैंने सुना है। सर ये हेलेन कोर्डा, स्वर्गवासी जोसेफ कोर्डा की बेटी,
इसके और तीन भाई है हैदराबाद में। कोडा ब्रदर, कंट्रोलिंग गोवाज माइटेस ड्रग ट्रैफिक, है ना? हाँ हाँ वही है। इसके अंडर में आती है करुणा दीपमाला, यानी बहन जी। जैसा तुमने कहा था ना, सुना है इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, इसका लेटेस्ट पैशन और पार्टनर, जो कि ये है सिद्धू माधवन उर्फ मोहनदास। दो हफ्ते पहले इन दोनों को गोवा के रिसोर्ट में देखा गया था। क्या हुआ, तुम इसे जानते हो क्या, सिद्धू माधवन को? नाम सुना है? नो सर, बट थैंक्स। क्या? भले ही आप कन्फेड आईपीएस हैं, लेकिन दिमाग आपको तेज दिया ऊपर वाले ने। ठीक है ठीक है। मुबारक हो नई पोस्ट के लिए। वैसे ये बताओ, तुम्हें ये कहाँ मिल गया? ऑफिस से निकलते वक्त मैंने ही ने फॉलो किया और मौका मिलते ही किडनैप कर लिया। क्या बात है, क्या तुम पर कोई शक कर रहा है? ट्रैक कर रहा है क्या तुम्हें नरेंद्र? आई डोंट नो, सच कहूं तो पता नहीं, मेरा दिल अंदर से घबरा रहा है। सिद्धू 10 बार मैंने मुड़ कर देखा है, यहाँ आते समय मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है ना? इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, तुम्हारे अंडर में कितने पुलिस वाले हैं जो तुम्हारे जूते की आवाज सुनते ही सैल्यूट मारने के लिए खड़े हो जाते हैं? 100, 1000, 10,000, 1,00,000 या उससे भी ज्यादा। उन्हीं में से एक तो है वो नरेंद्र, एक माथ हाथ तुम्हारे नीचे काम करने वाला मामूली पुलिस वाला नरेंद्र। आई ब्लडी पिट यू बालू, पिट यू। तुम्हें क्या लगता है पुराने सब इंस्पेक्टर साहब? कहावत है ना, खून अपना रंग दिखाएगा। एकाएगी को उसी के बंद चेंबर में मारा, इसीलिए इससे डरता है। गलत हुआ, मुझे लगता है हमारे दुश्मन अब हमारे नजदीक है। बदबू आ रही है, दुश्मनों का धुआं उठ रहा है, खतरा है, बहुत खतरा। सच है सिद्धू, तुम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो। बालू, मुझे अब भी याद है जब मैं 8 साल का था, मेरा बाप जंगल का राजा पहली बार जेल गया था। मुझे इसके हवाले कर दी। वो दिन है और आज का दिन है, दुश्मनों की लाख कोशिश के बाद भी आज तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। दुश्मनों से मैंने खुद अपने आप को बचाया है, सोते समय, जागते समय, यहां तक के सपने में भी, हर वक्त। जब सुबह होती थी, मंदिर में घंटी बजती थी, तब भगवान से मैं एक ही चीज मांगा करता था, मेरी रक्षा करना, सिर्फ मेरी रक्षा करना। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, भगवान मुझे बचाएगा, मैं अपने आसपास के सब लोगों को बचाऊंगा। भगवान के साथ एक सब कॉन्ट्रैक्ट है इस सिद्धू का, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर कुछ भी कर सकता है ये सिद्धू। समझ में नहीं आया है ना? समझ में आएगा भी नहीं। दुश्मन के बदले की आंच अगर मुझ तक आई सिद्धू तक, तो मेरे तेवर क्या होंगे ये अंकल अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ अंकल जानते हैं, है ना ओल्ड मैन? हेलन, यस, जंग शुरू करनी है किसी भी वक्त, यू कैन गो बैक टू गोवा एनी टाइम। वहां जाकर अपने भाई से कहना जितना हो सके हथियार जमा कर ले, इसके बाद जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं तुम्हारा भाई यहां पहुंच जाना चाहिए। हेलो, यस, यस, बहन जी, क्या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा है नरेंद्र? नरेंद्र, carry on, Anna, you wait for me at the meditation room. Okay. नरेंद्र, हाँ मुझे पता है, मुझे आपसे, यस, मेरा किचन में जाकर टी और कॉफी? कुछ नहीं, प्लीज कम। कारण दीपा, दुबई नेम लाइट ट्रस्ट, गोवा, कुल्लू, केरला, ऐसे 3 जगहों पर है। मदरापल्ली में ट्रायल शुरू हुआ था और हाल ही में धनुषकोड में शुरू हुआ। स्थाई ध्यान मंदिर आलुवेल में है,
आप लोगों के इतने सेंटर्स हैं ना? यस बहन जी, यानी आप रामा बहन जो पूरे कारुण्य दीपम ग्रुप की सिस्टर हैं, आप कम्बकलम और कुरुंगलम परेल की भी सिस्टर ही है ना? मैंने सही कहा? हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी यहाँ पर आ सकते हैं और अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देसी और विदेशी हर तरह के लिबरल स्पिरिचुअल आते हैं और अपनी तरह से पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। साथ में बुरी चीज़ें भी है, नशा, आवारगी, अय्याशी, हर वो चीज़ जो नाजायज है। ज़रूरत की हर वो चीज़, माचिस से लेकर मशालों तक, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। अब पता नहीं ये सच में है या फिर लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन लुक मिस्टर, अगर आपको इन सब चीज़ों की डिटेल जानी है तो मेरे ऑडिटर से जाकर मिलिए और मेक अ पॉइंट प्लीज। यस, टू द पॉइंट। ओमकार कौन है? Who? ओमकार फॉरेस्ट गार्ड, जानते हो? जोश, कैलाश चंद, उन्हें तो जानते होगे ना? बाहर गेट पर जो आपकी भाषा नहीं जानता है ना, उस वॉचमैन के नाक के नीचे से जो काले कारनामे हो रहे हैं, जैसा कि जोश का फोटो उसके सामने आया तो उसके चेहरे पर अजीब सा डर छा गया। अब तुम ही कहो या ना कहो, मानो या ना मानो, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जो भाव देखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। प्लीज। यस, कैलाश जोश क्या करता था उसकी सच्चाई तुम्हें पता है। येलाकोटी चेकपोस्ट गार्ड ओमकार को भी जानती हो तुम। जोश का जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन अपने मर्डर से आधा घंटा पहले उसने ओमकार को अपने सेल से कॉल किया। सबूत है मेरे पास, ओमकार के सारे रिकॉर्ड्स हैं। उस वक्त जो गार्ड ड्यूटी पर था उसके भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। उसका नाम पता है, वो कौन था, ये सब जानता हूँ। देखना चाहोगी? नो। यस, गांजे से भरी हुई गाड़ी को पास कराने के लिए जोश के सारे खेल, उसके सारे पैतरे, उसने जो कॉल्स किए, रिश्वत, सेटिंग, फैसिलिटी, वाहन सुविधा और बहुत कुछ, और साथ में तुम्हारा भी इस्तेमाल करता था। हे कम ऑन, कम ऑन, डिसअप्रूव मी, मैं उगलवाऊंगा यहाँ के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, नौकर चाकर, अनाथों से भी उगलवाऊंगा। मैं सच्चाई को सबके सामने ला कर ही रहूंगा, ये जरूर करूंगा मैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं देखना सच्चाई से पर्दा उठते हुए। देखो, ये एक स्पिरिचुअल जगह है, यू कैन नॉट अपसेट द एंबियंस। एंबियंस माय फुट, द वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसकी आड़ में हर गैर कानूनी काम किया जा रहा है ना। माँ जी, श्री जी, अम्मा जी, बहन जी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। शिक्षा संस्थान, दान धर्म, ट्रस्ट मैनेजमेंट, ज्ञान के उपदेश का नाटक, हजारों लोगों को धरती से सीधा स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाया जाता है ना। चैरिटी के द्वारा जाने क्या क्या कारनामे होते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तुम ही जानती हो। ढोंग दिखावा, पाखंडी पना, यही सच है, बताओ सच क्या है, कम ऑन, डिसअप्रूव मी। नो, इसके आगे कोई भी बात करनी है तो पहले जाइए और कोर्ट ऑर्डर लेकर आइए, समझ गए आप? ज्यादा चालाक नहीं, बिना कोर्ट ऑर्डर के ले जा सकता हूँ तुम्हें, देखना। हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम यहाँ तक आ गए, मान गया, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, नरेंद्र। देख भी लिया ना? क्या? जब मैं रिलीज ऑर्डर का इंतजार कर रहा था जेल में, सेल नंबर 3 में, तुम 19 में थे। पूरे जेल में सिर्फ एक ही महान हस्ती थी जिसे वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात याद होगी है ना? अक्सर तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनता ही रहता हूँ, लड़खड़ाते कदम, तुम्हारे हाथ में सोने की मुठ लगी हुई एक छड़ी। जवानी में मेरा यह पंजा शेर के पंजों को भी मरोड़ देता। बहुतों का गला भी घोट चुका है, लेकिन उम्र की लकीर पर काले बादल छाने लगे हैं। ट्रस्ट, एफेक्ट, हैरेस्ट, शेटर्ड, इसके अलावा और भी कुछ बाकी है तो वो भी तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है। अवतार बदल गया और देखो ना, काम करने का तरीका भी बदल गया, और अब तो लगता है कि आराम करना चाहती हैं। इनके चेहरे पर साफ साफ लिखा है, थक गई हैं, आराम चाहिए, आराम करना पड़ेगा। सारे काम से छुटकारा लेकर यहाँ रखी सारी किताबों को पढ़ पढ़ के दिमाग का नियंत्रण खो चुकी हैं बहन जी। सब कुछ खत्म करके तुम्हें
योगा वोगा शुरू कर देना चाहिए, है ना? और वो सब यहाँ नहीं हो सकता, तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। या तो कुन्नूर चले जाओ या फिर गोवा, बैक टू प्लेस, जहां से वापस आने के लिए कोई भी तुम्हें मजबूर ना कर सके। ऐसी जगह पर तुम्हें चले जाना चाहिए बहन जी। आई डोंट नो। यू नो बहन जी, तुम जानती हो, ऐसी एक बात तुमने कही थी हेलेन से फोन पर बात करते हुए, कही थी ना? यस। हाँ, मैं हेलेन, बालू और और ये स्वीटी, कुन्नूर के बोर्डिंग स्कूल से लेकर आज यहाँ तक हमारे आपस के रिश्ते में जो कुछ भी काम हमने किए, अच्छे या बुरे, सब कुछ भूल जाने चाहिए। बिल्कुल साफ बात है, एकदम दूध की तरह साफ बात है। हाँ, मैं मानता हूँ सबका साथ छूटने के बाद अकेले में बिल्कुल नींद नहीं आती, जिसकी वजह से हजारों लोग आज चैन की नींद सोते हैं। स्वामी हर्षदानंद जी की प्रथम शिष्या को शशस्त्राणाम, विशाल हृदय वाले सागर की तरह जिसके भीतर ज्ञान का भंडार है, फिर भी सब कुछ भुलाकर आराम से सोना होगा बहन जी को। सिद्धू, व्हाट डू यू? मैं चाहता हूँ तुम सो जाओ। द फाइनल ट्रिप, यू वांट डेथ? क्या? यस, ये फैसला बहन जी खुद करेंगी कि उन्हें उस दुनिया से कब जाना है, आज, कल या जब वो चाहें। अभी, इसी वक्त। माय ब्लेसिंग, सुकून की नींद, शुभ यात्रा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। ओह सर, कब, कैसे सर? प्लीज जरा समझिए, मुझे वहां पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे, उसके पहले बॉडी। सर मैं आ रहा हूं, इंतजार कीजिए। क्या हुआ? रमा बहन फाउंड डेड। Yes, Helen. Yeah. Helen, I will call you back. Sir, RTO के प्रभाकर जी आए हैं। Formalities पूरी हो गई है ना? हाँ सर। मैंने उन्हें बुलाया है। सर, बाहर के किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत मत देना, ये कमेटी का फैसला है। सर। हाँ, और एक बात, मीडिया को भी अंदर मत आने देना। ओके सर। सर, हेलन का फोन आया था, वहां से वो लोग हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद हमें देर नहीं करनी चाहिए, बॉडी का अंतिम संस्कार गोवा में होगा, इसीलिए वो लोग लेने आ रहे हैं, ऐसा सिद्धू ने। सर, नरेंद्र यहाँ पहुँचने वाला है। कॉल हमें। सर, प्लीज प्लीज, आप लोग बात को समझिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर, सर बुला रहे हैं। सर, किसी भी सूरत में नरेंद्र अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? गो ब्लॉक हिम। नरेंद्र, आई एम हमीद, प्लीज हमें हटो। नरेंद्र, देखो मेरा कहना मानो। हट जाओ यहां से। हे, डोंट मूव। ऑलराइट। नो, यू ब्लडी गेट द हेल आउट ऑफ हियर। You? Hey, नरेंद्र! अरे ये क्या बेवकूफी कर रहे हो नरेंद्र? नरेंद्र, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ। सुनो, ये मौत के शोक की जगह है। So what, sir? मौत कैसे और क्यों हुई है, ये तहकीकात करने का अधिकार पुलिस ऑफिसर को है, ये मेरा हक है। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। इसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, ले जाओ अभी का अभी यहाँ से। ब्लडी। नो सर, मैं जानना चाहता हूँ जल्दी क्यों। मौत के 1 घंटे में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो गई, क्यों? सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी में पूरी कर ली गई, जल्दी से बॉडी को गोवा ले जाने का इंतजाम किया गया। कम ऑन, हु गेव द ऑर्डर? किसने परमिशन दी? नो, जो कुछ भी जानना है उसकी सारी रिपोर्ट्स सही समय पर तेरे पास पहुंच जाएंगी, बड़े अधिकारियों द्वारा। वेट टिल दैट।
इतनी ही है तेरी ड्यूटी। जो आज मैं कर रहा हूँ ये बरसों पहले आप ही ने मुझे सिखाया है ना सर। कम ऑन, चुप, गेट लॉस्ट आई सेड, ले जाओ इसे यहाँ से। बिल्कुल यही अल्फाज थे तभी। चुप रहो नरेंद्र। रमा बहन की लाश से कुछ सवाल करूँ तो वो जवाब नहीं देगी, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर, लेकिन इस वक्त उससे हजार गुना सच्चाई का चेहरा मेरे सामने आ रहा है सर। तुम्हारा ये तेवर तुम्हारी घबराहट छिपाने के लिए बहुत काफी है, इसलिए तुम्हारी ये फड़फड़ाहट एकदम सच है सर। और पता चलता है कि तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो। वाकई थैंक यू। तुम मुझे अच्छे लगे नरेंद्र। सच्चाई की राह पर चलकर शहीद होने वाले महापुरुष इस देश में कई पैदा हुए हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे दया, दीना निगम, सहदेव, दिनेश, ऐसे ढेर सारे लोगों से मुझे बहुत प्यार है। जाओ। ब्रह्मा की तरह इस संसार का अकेला रचयिता मैं हूँ ऐसा सोचने वाले बेवकूफ होते हैं जैसा कि इस वक्त है, जैसा कि कंस था, रावण था। उनकी मौत कब आएगी उन्हें पता नहीं था, आखिरी पल तक पता नहीं था। वो लोग संसार के सबसे बड़े बेवकूफ थे, हद से ज्यादा चालाक थे, गुरूर के पुलिंदे। तुम भी वही हो, याद रखना इस बात को जब तक हम अगली बार मिले। नरेंद्र साहब, हेलो, मैं जितेंद्र, पहचाना? चलो आओ, उतरो। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बगल में होटल है, चलो खाते पीते हैं, कुछ आराम करते हैं। Oh!
नरेंद्र को फंसाने के लिए ये जाल काफी नहीं है जितेंद्र। जाके कह देना उसे जिसने तुझे भेजा है, चाहे वो कोई भी हो, जाए यहां से। चमचा जितेंद्र साला। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। इतना ही नहीं पता है उसको क्या हुआ। हाँ? अरे तुम ये क्या बड़बड़ा रही हो उसके कानों में? हाँ ये हम दोनों के बीच की बात है। हाँ तो फिर बात करो ना, करो करो, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। हाँ तो जाओ ना यहाँ से। पहले से ही हम दोनों इस केस के सिलसिले में इस तरह फंसे हुए हैं कि उसकी वजह से मुझे बीपी की दो गोली ज्यादा खानी पड़ रही है। तुम जाओ यहाँ से। चलिए दीदी एक मिनट रुको तुम। हाँ केस के सिलसिले में टेंशन लेकर बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ। जरा इनसे तो सीखो। हाँ? टेंशन वाली सारी बातें वो प्रभा से शेयर करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। एक बार मैंने केस के बारे में तुमसे कुछ शेयर तो किया था ना, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जमानत के लिए किसी और को साइन करनी पड़ी थी, है कि नहीं? चलिए सुनो, कल जो तुमने फाइट किया था उसमें कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नो सर, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता कि जितेंद्र अकेले हिम्मत कर पाएगा। नहीं सर, आईजी बाला, अपूर्वा, सिद्धू, इन लोगों ने उसे बढ़ावा दिया है। और रिपोर्ट में आपने पढ़ा ना, नींद की गोलियों का डोज ज्यादा लेने से नींद में ही उनकी मौत हो गई। ये रही रमा बहन, 3 बार पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। पहली बार पढ़ाई के समय प्रेम असफलता, इसके बाद 2 बार किसी और वजह से। ये पहले की बात है जब वो सन्यासी नहीं बनी थी। अरे तुम्हें ये सब? आश्रम के उन्हीं लोगों ने ये रिपोर्ट दी है, रमा बहन ने सुसाइड की है, इसे साबित करने के लिए सफेद झूठ। वहाँ काम करने वाला कोई भी कर्मचारी डर के मारे सच उगलने को तैयार नहीं है, वो डरे हुए हैं बुरी तरह से। और तुम्हें इस पर विश्वास है? क्रैप। हमारी तहकीकात के हर कदम पर कांटे बिछाकर वो लोग उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, है ना? सर अब वो हमारा अगला कदम रोकने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे आसानी से रोक नहीं पाएंगे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, देख रहा है ना, रमा बहन की शव यात्रा में जितने भी लोग वहां आए थे उनमें से कोई भी हो सकता है, खासकर वहां पर जितने भी VIP थे उनमें से कोई भी हो सकता है। फिलहाल हमें सिर्फ नजर रखनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि सभी लोग हमारे शक के दायरे में, खास कर ये CM साहब का महान सपूत और इसके अलावा बहुत सारे VIP, हमें उन पर नजर रखनी है। सर किसका कितना हाथ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सभी इन्वॉल्व जरूर है, कनेक्टेड है, ऐसा मेरा ख्याल है। सर आपने मुझे जो गोवा इंटेलिजेंट रिपोर्ट दी थी मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सिद्धू और हेलन समुद्री रास्ते से जब गोवा पहुंचे तो वो भी उनके साथ था, और क्यों था ये पता लगाना है हमें। दैट मींस शराब कबाब शबाब, यानी ऐश नशा और मनोरंजन। लेकिन ये बात यहीं पर है तो अच्छा है। अरे तुम खुलकर बताओ ना नरेंद्र, ये है क्या? नहीं फिलहाल नहीं कहूंगा, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। आज रात नहीं तो कल सुबह एक खास काम के लिए हम गोवा रवाना हो रहे हैं, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। क्या आपको खबर नहीं मिली सर? हाँ मिली है ना, तीर निशाने पर बैठना चाहिए, इसलिए मैं एक शो कर रहा हूँ। क्या कहा? एक चाल। गधे, काट दिया ना, घाव हो गया मेरे, ला इधर ला, मैं खुद ही बना लूंगा। ये तो रोज का है, थोड़े हिले बिना नहीं रह सकते तुम बिना। सर हाँ, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी MOU फर्स्ट ड्राफ्ट। ओ दुबई वालों का? यस सर। हाँ ये डील मेरा लड़का देख रहा है, उसे ही देखने दो। सर सुन, तुम खुद नहीं पढ़ सकते क्या इसे? प्रेस वाले यूं ही नहीं बोल रहे हैं, तुम अनपढ़ हो क्या? तुम जाओ ना यहाँ से। मैं इस वक्त नहीं मिल सकता हूँ, मैंने पप्पी से। शिट, क्या हुआ, कौन था? तुम आधा घंटा अंदर वेट करो। सहदेव तुम भी जाओ ना। सिद्धू यहाँ आ रहा है? बस आने ही वाला है। वो यहाँ आएगा। मैं आई? नमस्कार। क्या बात है, मुझे देखते ही तुम दोनों के चेहरे चुसे हुए आम की तरह क्यों हो गए? कुछ बोलोगे?
ये तुम दोनों के बीच क्या लफड़ा है? मेरे और इसके बीच में नहीं, मेरे और अंकल के बीच में, मेरे और जिससे मैं सीधे बात कर रहा हूँ उसके बीच। ओहो, तो ये बात है, तो तेरा मकसद क्या है? वो क्या है ना अंकल, पहले कुन्नूर बिशप्स बोर्डिंग स्कूल में हर साल वेकेशन हुआ करता था, तब ये ट्रक में लोड करके डब्बे लाया करता था और उलट फेर करता था, तब आप मेरा चेहरा देखते थे और गुनगुनाते थे कि ये सीपी एमएलए बनेगा। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि आज सिद्धू की वजह से तुम सारे जहान पर राज कर रहे हो। आज भी वही उद्देश्य है मेरा, सब कुछ लपेट के जाने से पहले मुझे मेरी कीमत दो। दोनों हाथों से एहसान लुटाया, तिनका भर भी अपने लिए नहीं मांगा, एक सिर दर्द देकर चला गया वो हराम खोर चोर। वो सिर दर्द अब सबके सर पे चढ़ के चीख चीख कर बोलने लगा है। वो हर जगह गया था, उसने कहा था मुझे इसका इलाज चाहिए, नरेंद्र की बर्खास्तगी चाहिए सीएम के द्वारा। मैंने इसके सामने एक शर्त रखी थी। हाँ, बताया मुझे, लेकिन मैं इनकार कर दूं तो? इस तरह से मेरी बातों का जवाब मत दीजिए सीएम साहब। पहले दिन से लेकर आज तक हमेशा तुम्हारा साथ देता आया हूँ, लेकिन उसके बदले में आज तक मैंने तुमसे एक फूटी गोली भी नहीं मांगी है। कोई तकलीफ नहीं दी तुम्हें, ना तो तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और ना ही उन एहसानों को कभी गिनाया है सिद्धू ने। पुरानी बातों को लेकर तुम मुझे डराने आया है क्या? नहीं, डराने नहीं, ब्लैकमेल करने। तो बहुत हो गया, बाहर पुलिस है, एक इशारा कर दो तो देखना है तुझे। कितने साल हो गए रे, कब से तेरे लिए और तेरे इस बाप के लिए काम कर रहा हूँ, और कितने दिन और कितने साल चलेगा ये सब? हाँ देख तू। यस, याद दिलाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, पार्टी को जमाने के लिए, शहर के कोने कोने में पोस्टर लगाने के लिए, वर्कर्स को पगार बांटने के लिए, प्रेस वालों को और चैनल वालों को शराब पिलाने और ऐश करवाने के लिए, संस्था को पटाने के लिए, तेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, लड़की का ब्याह रचाने के लिए, ऐसे न जाने कितने काम करने के लिए, बाप को सरकार की कुर्सी में बिठाने के लिए बेटा भीख का कटोरा लेकर जब मेरे पास आया था तब दोनों हाथों से मेहरबानी लुटाई थी सिद्धू ने। कुर्सी पर बैठने के बाद पैसा तो बहुत बटोरा, लेकिन ये नहीं पूछा कभी अपने बेटे से कि ये सब हुआ कैसे। चलो पुरानी बातों को जाने दो, सुनो एक नया खाता है मेरे पास, इसमें तू साथ में था ना हमारी गोवा टीम में, उसकी पूरी शूटिंग हुई थी। मैंने शूट करवाया था इसे, मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। देख तो क्या है बे, बाहर पुलिस खड़ी हुई है, बुलाऊं क्या? मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा हूं इसके लिए, खुद को अरेस्ट कराने के लिए। ये मत समझना कि मेरे पास इसकी एक ही कॉपी है, इसकी ओरिजिनल कॉपी स्वीटी के पास है। सिद्धू का दिमाग अगर घूम गया तो शाम को न्यूज चैनल्स पर तू ही तू नजर आएगा रियलिटी शोज में। एक बात याद रखना, सिद्धू अगर डूब गया ना तो पढ़ाओ साथ में ये भी होगा तेरा इकलौता बेटा, सो बी वाइस, इसको बचा लो नरेंद्र को बर्खास्त करके, मुझे बचाने के लिए, इसे बचाने के लिए। सिद्धू का रिश्ता, नमस्कार। शाहबुद्दीन को बुला। मम्मी पापा कब आएंगे? अभी आ जाएंगे, अब तुम सो जाओ, आते ही मैं जगा दूंगी, ठीक है? लो शायद आ गए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। प्रभा, घबराने की कोई बात नहीं है,
ही इज ऑल राइट। डॉक्टर मैं मिल सकता हूँ? नो, दो घंटे तक उसे सोने दो, तभी वो शौक से निकल पाएगा। तुम्हें और प्रभा को इस वक्त देखकर रोएगा। शहाबुद्दीन साहब गए क्या? वो अभी अभी गए हैं। हाँ। इन्हें सब समझा के गए हैं। हाँ। नरेंद्र एक मिनट यहाँ आओ। अब तक पैसा जमा नहीं हुआ है, अगर वो पैसे जमा कर देते तो। डॉक्टर वो इस वक्त मैं इतना अमाउंट वो क्या हुआ? मैं नीचे फोन करके बोल देता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं डॉक्टर प्लीज, मुझे 10 बजे तक का वक्त दीजिए, मैं इंतजाम करूंगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ चलो मैं निकलता हूँ। $50,000, बाकी का मैं बाद में बता दूंगा, अभी तुम फोन रखो। अब कैसा है? He's okay. नरेंद्र मैंने नीचे पैसा भर दिया है पूरी दवाई के साथ। नरेंद्र इस वक्त तो मुझे कुछ मत कहना। तेरी तो मैं प्लीज, ये मेरे खून पसीने की कमाई है यार, किसी भी हालत में मना मत करना दोस्त, बाद में लौटा देना, कसम से मैं सच कह रहा हूँ। नरेंद्र मान जा दोस्त। सर थॉमस एंटनी। सर शहाबुद्दीन साहब का फोन था, तुरंत गेस्ट हाउस पहुंचना होगा, सीएम साहब ने बुलाया। किसी को अंदर मत आने देना। ओके सर। डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म पढ़ा है तुमने कभी, या कभी पढ़ाई के वक्त ध्यान दिया तुमने? पढ़ा है सर। मानता हूं कभी कभी जब बच्चों पे मुसीबत आती है तो माँ बाप की कलेजी से एक चीख निकलती है कि हाय रे मेरा बच्चा, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तुम्हारा बच्चा कैसा है? सर बेटर। और वाइफ? शी इज ऑल राइट सर। भगवान की दया है। मेरे ख्याल से अब हमें ये सब रोक देना चाहिए। ये इंक्वायरी क्यों? लेकिन सर अचानक। तू क्या समझता है शहाबुद्दीन कि मैं बेवकूफ हूं? सर जब से ये केस इसके हाथ में गया है तब से कितने लोगों की जान जा चुकी है? 8 या 10, चाहे कुछ भी हो जाए अब ये केस खत्म। शहाबुद्दीन सर, सरकार को भी बहुत सारे प्रेशर हैं, पार्टी के अंदर से भी और अपोजिशन वालों से भी इसी केस को लेकर। सर वो चाहे कुछ भी हो, फिलहाल इस केस को लेकर पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश मिले हैं इसे बंद करने के, क्योंकि इसकी वजह से दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं कई केसों में हो चुकी हैं, पिताजी की तबीयत खराब या किसी काम से बाहर जाना है। ऐसा ही कुछ कहकर तुम भी कहीं छुट्टी पर चले जाओ। लेकिन सर वो छुट्टी मिल जाएगी और दूसरी जगह पोस्टिंग भी। 10 बजे पत्रकारों को बुलाया है, तुम ये कहोगे कि केस नहीं संभल रहा, बस। चीता बिल्ली बन गया और शेर चूहा बन गया, कुछ इसी तरह की बातें पत्रकार लोग करेंगे, तुम्हारा नाम उछालेंगे। क्यों चलेगा ना? नहीं चलेगा। क्या ज्यादा होशियारी मत करो, पिताजी जो कहते हैं वो करो। क्या देख रहा है तू? हाँ मारेगा क्या मुझे? प्लीज शट योर माउथ। यू माय सेट। प्लीज शट योर माउथ। ए सर, स्टेट को बाप चला रहा है, बेटा नहीं। मैं इसका हुक्म नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। जो कह रहा हूँ उसे मान ले, इसी में भलाई है तेरी, वरना पछताएगा। बिल्कुल नहीं मानूंगा। जंग के मैदान में उतरने के बाद जीत की दहलीज पर पहुँचते समय हारने वाली पार्टी सफेद झंडा दिखाकर समझौते की बात करते हैं, ये पुरानी परंपरा है। सही कहा ना मैंने? पार्टी में समझौता हो गया, हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग पहले से ही दोस्त हैं। इस तरह की कई मिसालें देकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने की परंपरा आप अच्छे से निभा रहे हैं सर, आपकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। इस केस को बंद किया जा रहा है सिर्फ इसके लिए।
क्या वो दिन? यस सर। सर, कैलाश के मर्डर होने की खुशियाँ कोची के एक पोर्ट के जहाज में मनाई जा रही थी, जिसमें ये भी शामिल था, और साथ में था सिद्धू, द मोस्ट नोटोरियस, द मोस्ट सॉट आफ्टर ड्रग एजेंट ऑफ द स्टेट। आपका सपूत नशे में धुत होकर हदें पार कर रहा था, और जिस ऑफिसर ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने वहाँ पर रोब दिखाया कि ये मुख्यमंत्री का बेटा है। इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी सेंट्रल आईबी में, गोवा इंटेलिजेंस में और यहाँ की स्टेट पुलिस में। मुख्यमंत्री के खास पीआई अशरफ ने उस फाइल को दबा दिया। होम मिनिस्टर का वो भी पैसे के बल पर बंद हो गया। एंड आई हैव विद मी अ कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट। क्यों साहब, सच है ना? नकारने की हिम्मत है आप में? है क्या? ए शाबुद्दीन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पुलिस को बुलाओ, इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। हाँ, पुलिस कल थी, आज भी और कल भी रहेगी, लेकिन आप जैसे मुख्यमंत्री हर 5 साल में आते जाते रहते हैं। सिद्धू जैसा आपका मेहमान जो कि क्रिमिनल है, आपसे मिलने के लिए यहाँ कल आया था। जब से मैंने ये केस हाथ में लिया है, तब से मेरा भी एक आदमी यहाँ पर लगातार पहरा दे रहा है। लाओ कम ऑन, केस को रोकने का आदेश दो, या फिर और किसी तरह का ऑर्डर निकालो, जैसे कि मेरा सस्पेंशन या डिसमिसल, या फिर कोई भी कड़ी से कड़ी सजा आप देना चाहते हैं, यू आर वेलकम। लेकिन उससे पहले आपकी आंखों के सामने इसकी गिरेबान पकड़कर घसीटता हुआ इसे ले जाऊंगा मैं। आपका आईजी बाला, अपूर्वा, सुभद्रा, सिद्धू, चाहे कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो, और मैं इसे कटघरे में जरूर घसीटूंगा। उन गुनहगारों के साथ जो खड़ा होगा मुख्यमंत्री जी, वो होगा आपका ये सपूत। कोची पोर्ट की शक्ति लॉज के सामने एक अनजान आदमी की डेड बॉडी मिली, और उसकी जांच करते समय बहुत सारी अड़चने और रुकावटें सामने आई, और वो केस जब आपने मेरे हाथ में दिया था तो आपको पता नहीं था कि उसमें आपका ये सुपुत्र भी शामिल है जो दुश्मनों से मिला हुआ है, और आज आप पर ही भारी पड़ने लगा है ना? पापा, इसे समझाओ, नहीं तो इसे बाहर जाने के लिए कहो। और सर, आपके जैसे एक होनहार इज्जतदार सीएम का हाथ मेरे सर पे होते हुए भी मेरे कामों में अड़चने आ रही है, आप नहीं जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर ये बात भी नहीं है सर कि मैं इन सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा हक है, आई एम अ वोटर, और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ये बात भी सच है कि सरकार जो कानून बनाती है वो सभी के लिए बराबर होते हैं, बड़े और छोटे सभी के लिए, लेकिन जब आप शपथ लेते हैं तो कानून को बुलडोजर के नीचे रख देते हैं और हीरो बनने के लिए पत्रकारों को मौके देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा सर कि आपका ये सपूत देश के दुश्मनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा आपके इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, ये जनता को बताना पड़ेगा। ये आपका काम है, फर्ज है आपका, ड्यूटी है आपकी, यही सिद्धांत है, यही आदर्श है, और यही सच्ची देशभक्ति है। अगर ऐसा नहीं हो सका सर तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, एक दिन आता है जब हर आदमी इस संसार से विदा लेता है ना चाहते हुए भी, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे ये संसार छोड़ना पड़ता है। और जब कोई बुरे काम करता है तो लोग कहते हैं ये हैवान था, इंसान नहीं, हमदर्द के रूप में शैतान था। इसने देश को छला, अपने साथियों को छला, यहाँ तक कि खुद को भी छला, और साथ में पूरे देश को छला। एक इंसान जो गद्दार था, सबकी नजर में ऐसे मत बनिए। ऐसा मत होने दीजिए सर, मैं बाहर इंतजार करूंगा आपके फैसले का। जय हिंद। सुनो नरेंद्र, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है तो आगे बढ़ो, ये जंग जारी रखो। सर, जाओ, गो अहेड। सर, ए चीते। सर, जय हिंद, जय हिंद। सर आप जाओ। सर, आपका इस तरह से अकेले अंदर जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा सर। जाओ ना। जी सर। सुनो, सुन, सुनो। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है यार, तो जवाब देने के लिए सब मार गए क्या?
बहुत पुरानी फिल्म है। अपनी जवानी में बाला ने ये फिल्म बहुत अच्छे से देखी थी। वहीं से दोस्ती शुरू हुई नारायण की और सिद्धू की। वहीं से जंगल का सफर शुरू हुआ और गांजे का भी धंधा। डिपार्टमेंट की ही जीप में गांजा सप्लाई करने का केस हुआ। सर्विस भी टर्मिनेट हुई सब इंस्पेक्टर वसंत राव पुरुषोत्तम पुजारी की। मुस्तफा सर। दो घंटे के अंदर तोते की तरह सारी बातें बता दी निर्मला जॉन ने। आपकी स्पॉन्सरशिप से इसने नर्स का कोर्स किया था, वहां से लेकर अभी तक की सारी बात, कल तक की तुम दोनों की सारी रास लीलाएं, अपूर्वा की मनपसंद तमिल पार्टियां, बहुत ही लजीज खाना, ड्रिंक्स, सारी सुविधाएं, आपने कब और कहां क्या किया सब। औरतों पर हाथ उठाना जुर्म है, लेकिन फिर भी एक थप्पड़ लगाना ही पड़ा सच उगलवाने के लिए। सॉरी। जो कैलाश चंद मर गया था ना, उसके गाल पर यहाँ गहरी चोट थी और उस चोट पर टाके भी लगे हुए थे। चोट लाठी की, किसी रॉड की या किसी की भी, इस छड़ी की भी हो सकती है। सही काम है ना? और भी बहुत कुछ बताया निर्मला ने। कैलाश चंद्र जोश के साथ तुम्हारे क्या रिश्ते थे और इसके क्या रिश्ते थे, वो सब कुछ बताया है इसने चेलावत के बारे में। और जितेंद्र जो कस्टडी में करता था उसका भी एक स्टेटमेंट है मेरे पास, उसी स्टेटमेंट में तुम तीनों का सिग्नेचर होगा। अब चलो। तेरे पास ऑर्डर है मुझे ले जाने के लिए? कानून कितना भी तोड़ ले, लेकिन अब तक कानून याद है, पुराना पुलिस वाला है ना, है ना? सरकारी गवाह बनने के लिए निर्मला जोन तैयार है। जान बचाना है तो तुम्हें भी कोर्ट में सारी सच्चाई बतानी होगी। फैसला करने के लिए तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। तुम्हारा ये दिल है ना, ये बहुत ही नाजुक है और इसे ये बदल कर ही रहेगी। इसने मुझसे ऐसा ही वादा किया है और मैंने वो मान भी लिया है। 24 घंटे का वक्त है, चलो। लेकिन सर, इन्हें इस तरह छोड़ देंगे तो? हो सकता है इरादा बदल जाए, गलत तो नहीं कहा मैंने? ये लो छड़ी, अब चले। राम बच्चन श्रीवास्तव। सर, सर ये नरेंद्र ने वसंत राव को 24 घंटे का समय दिया है। सर, 24 घंटे पूरे होने में अभी कितना समय बचा हुआ है? वो सिर्फ आज की रात बची है, ठीक है ना? सुबह होने से पहले उसकी सांसें रुक जानी चाहिए, मरना पड़ेगा वसंत राव। हाँ सर, सही कहा। हाँ, तुम्हारी कीमत क्या है श्रीवास्तव? अरे सर, मैं क्या कहूँ, आपकी जो इच्छा सर। इच्छा? हेलन ने अभी तक फोन नहीं किया ना? एगस्टिक, माइकल, किसी का भी फोन नहीं आया? Then, I smell trouble. गोवा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। Yes, I smell trouble. काका। कितनी उम्र होगी बसंत राव की तुम्हारे हिसाब से? 68 साल की? 70 साल की? टू ओल्ड। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उठा नहीं रहा। अरे पकड़ मुझे।
रोटी ठीक करो। अरे मुझे जाना है मिलने के लिए। कालीचरण एक ही सवाल है इस समय सिद्धू के मन में, सबसे ज्यादा प्यार तुम किसको करते हो? देखो सोच समझकर जवाब देना। कोची में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी स्वीटी है, उसके बाद नंबर आता है वसंत राव यानी तुम्हारा, फिर नंबर आता है इस सिद्धू का। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है इस सिद्धू को, सिद्धू के दिल को, क्योंकि दिल कभी कभार झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है कि नहीं? सही बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? ऊपर वाले के बनाए इस पूरे ब्रह्मांड में मैं, स्वीटी या फिर ये तुम्हारी रखेल? नहीं, तू नहीं, नहीं। ये खिलौना आज जो मेरे हाथ में है, इसे मैंने सबसे पहले जब पकड़ा था तब मेरी उम्र 8 साल की थी। न जाने कितने खून करके करोड़ों बटोरे हैं इन्हीं हाथों में। मेरी आंखों से रहम छीना है तुम्हारी इन्हीं आंखों ने। तेरी तिजोरी भरने के लिए अक्सर गोली चलवाता रहा, न जाने कितने लोगों का खून करवाया तूने मेरे इन्हीं हाथों से। किसी को जिंदगी देना और किसी को मौत देना, इस तरह का तेरे भगवान के साथ जो एग्रीमेंट है ना, तेरा सब कॉन्ट्रैक्ट तेरे भगवान के साथ, उसे कल रद्द कर दिया मेरे भगवान ने तुझे बताए बिना, इंसाफ के हक में। तेरे भगवान ने नोटिस विड्रॉ करके फैक्स भेजा है ऊपर से, लेकिन तुझे कब कब मिलेगा ये बता नहीं सकता मैं। यू कल रात से जब तू अपूर्वा को यहाँ से धमकी दे रहा था, मैं तेरा पीछा कर रहा था, तुझ पर नजर गड़ाए हुए तो फंस गया। अपने आप को बहुत अकलमंद और होशियार समझता है, इसलिए एक बार भी इधर उधर देखा नहीं क्यों? वो इसलिए कि तू सबसे बड़ा बेवकूफ और गधा ये साबित कर दिया तूने। आगे से जो भी तेरे साथ होगा तू देखना उसे। कुणाल अपने जाल में फंसाने के लिए तेरे शीश महल में मैं नहीं भेजा था इन्हें। साले कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जान लेना है तुझे, कैलाश जोश की हत्या करके उसकी बीवी बच्चों की हाय लेना कम नहीं, क्या तुझे और चाहिए? बहन जी और न जाने कितने लोगों का श्राप है तुझ पर। यस, मारा, मार दे सिद्धू को। कम ऑन, प्रूव इट। यस, आई विल। सबको तुम मारता आया है, ऊपर वाले ने तुझे जिंदा रखा है ताकि तेरे गुरु के साथ तुझे भी मैं ऊपर यमराज के पास भेज दूं। यमराज आ रहे हैं इस धरती पर तुझे लेने के लिए। यस, एक इन्वेस्टिगेशन गांव के लिए था, कोटा ब्रदर्स के लिए था, लेकिन ऊपर वाले का इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, इसलिए तेरी खोपड़ी खोले बिना कोर्ट में जिंदा हाजिर करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मुझे सौंपी है और मैं वो करके रहूंगा। मैं तुझे अदालत में जरूर ले जाऊंगा, एक ऑफिसर के तौर पर मैं करके रहूंगा और फिर मैं देखूंगा तेरे साथ क्या होना चाहिए। तेरे पेट में जो है उसे तेरी जुबान के रास्ते से बाहर निकालूंगा, इंच बाय इंच, एकदम ठोस सबूत के साथ और गवाहों के साथ। दिल तो करता है कि तुझे अभी ठोंक दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। मैं तुझे दिखा दूंगा इस देश का कानून तुझ जैसों के साथ क्या करता है। और हाँ, जब तड़प तड़प कर
तेरी जान निकलेगी तब तुझे अच्छे से समझ में आएगा नरेंद्र क्या चीज है। I'll bloody take you until the gallows. No! सर, आज की पूरी रात ये लॉकअप के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। आने वाले 24 घंटों के अंदर तेरे बाल की खाल उधेड़ कर रख देगा कानून का ये सिपाही। मेरी कस्टडी में। Lock him up. I'll be back. सर। ए नरेंद्र। जरा भी तेरी आवाज नहीं निकलनी चाहिए वरना यहीं पर ठंडा कर दूंगा। ऑफिसर, मेरा तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये साला सिद्धू को ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे पता है इसे तुम मेरे हवाले नहीं करोगे बल्कि इसे तुम कोर्ट में हाजिर करोगे और ये हम सबका सारा राज उगल देगा। ये हम सबका नाम बता देगा, ऑगस्टिन का भी नाम बता देगा, मेरे साथियों का भी नाम बता देगा, मुझे बर्बाद कर देगा ये बदमाश। देख ऑफिसर, मैं तेरे को कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे सिर्फ ये बेवकूफ चाहिए, सिर्फ ये बेवकूफ बेवकूफ। इसलिए मैं कहता हूँ तुम इसे छोड़ दो। टुडे यू आर लकी, जिंदा छोड़ रहा हूँ साला तेरे को, भीख में देता हूँ तेरी जिंदगी, भाग यहाँ से चल साला, उड़ा दूंगा तेरे को, भाग हरामी भाग। नहीं हिलना नहीं। Ah!
माइकल कोर्दा, माय फुट। अबे। हरामजादे, तू मुझे जिंदा छोड़ने का मौका दे रहा था और जिंदगी भीख में दे रहा था मुझे, और तू अपने आप को खुदा समझ रहा था साला। लेकिन अब मैं भी तुझे एक मौका देता हूँ, पर जिंदा छोड़ने का मौका नहीं, जिंदगी भीख में देने का मौका भी नहीं। हट। मैं तुझे भीख में देता हूँ तेरी मौत, सिर्फ मौत। बकवास बंद कर साले। अब ले हराम जादे तेरी मौत। तूने इतने सारे लोगों को गोलियां मारी, लेकिन किसी गोली ने तेरे जिस्म को नहीं छुआ, क्यों? इसीलिए तुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ कभी। तू हमेशा मौत का सौदा करता रहा, लोगों की जिंदगियों से खेलता रहा। अब तू मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगा। जो तूने बोया है वही तुझे मिलेगा। अब तो मर मर के जिएगा। तू आधा कट चुका है, अब तेरे इस आधे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। तू बार बार अपनी मौत मांगेगा, लेकिन मौत तुझे मिलेगी नहीं। तड़प तड़प कर और सड़ सड़ कर मरेगा तू, यही तेरी किस्मत है। अब ये तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर है। तू मौत को बुलाएगा, लेकिन वो जल्दी आएगी नहीं। वेट फॉर द डेथ, इंतजार कर नरक से भी बदतर मौत का। यही सजा तुझे दी है ऊपर वाले ने।